हाँ भी लास्ट सेशन में जितना भी किया था सब लोगों ने ढंग से देख लिया, किसी को कोई 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 दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक सेकंड है, मैं कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ, जस्ट सेकंड। अब हाँ चलो, बहुत अच्छे। कितने लेक्चर्स फॉर दिस चैप्टर? यार ये कौन है सवाल पूछने वाला? ध्रुव बनाट वाला 25, क्या करेंगे बताओ। ऋषिकेश ने सॉर्बिटॉल को देखा है पेप्सोडेंट टूथपेस्ट में, क्या बात है क्या बात है। आर्यन बोलता है मोटिवेशन दो सर, मोटिवेशन मोटिवेशन ले लो। मोटिवेशन दो, खत्म हो जाता है ना मोटिवेशन, सबसे फास्ट खत्म होता है। नहीं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, मोटिवेशन। अच्छा, ऐसे आवाज ठीक आ रहा है या फिर कोल्ड ड्रिंक के पहले मोटिवेशन खत्म हो जाता है सोम पाठक का कहना? सही बोल रहा है मैं वो। हाँ, ये बेटर है या पहले वाला बेटर है? अभी बेटर है ये? बढ़िया, चलो बहुत अच्छे। क्षितिज का कहना है पहले वाला बेटर था। चलो, मोस्ट वोलेटाइल पाउंड इज मोटिवेशन, है सबसे फास्ट बिकने वाला प्रोडक्ट मोटिवेशन। कृष का कहना है साइंस को बच्चों, नहीं, साइंस के बच्चों को पोर्शन पढ़ने से ज्यादा मोटिवेशन लेना चाहिए ना। बात एकदम सही है, मोटिवेशन जो है, मोटिवेशन खत्म होने वाली चीज है भाई। मतलब आपको मैं क्या बताऊँ, ये तो मैं खुद डेली फेस करता हूँ। है मोटिवेशन ऐसी चीज तो है नहीं ना कि जो सिर्फ साइंस के बच्चों को रिक्वायर्ड है। मोटिवेशन ऐसी चीज है पूरी दुनिया को रिक्वायर्ड है। जिंदगी में कई बार कुछ अच्छा करने के लिए भी मोटिवेशन लगता है। हम चीजें गलत होते देखते हैं कई बार, ऐसा रास्ते पे किसी को मदद की जरूरत है, हमको पता है उसको मदद की जरूरत है, लेकिन अंदर से वो जो पुश होता है ना, वो पुश पुश वाला पार्ट बड़ा डिफिकल्ट होता है। जब तक वो अंदर से पुश नहीं आता, वो मोटिवेशन नहीं आता, तब तक हम स्टेप नहीं लेते, है ना। ऋतुजा कहना, इफ यू डोंट थिंक अबाउट मोटिवेशन इट कम्स एंड गोज, इट शुडंट डिसाइड। हाँ देखो कैसा है कि देखो, कुछ भी करने के लिए मोटिवेशन चाहिए, ठीक है। लाइफ में अगर मोटिवेशन नहीं, तो हिसाब से सोने के लिए, किसी को सोने के लिए मोटिवेशन की जरूरत है क्या? नहीं, सोना नहीं, सोना नहीं, सोना है, सोने के लिए किसी को मोटिवेशन नहीं लगता, है ना। सोने के लिए क्यों मोटिवेशन नहीं लगता? बिकॉज इट कम्स टू अस नेचुरली, है ना, बाई इट सेल्फ। तो अब सवाल ये उठता है कि कैन वी मेक आवर स्टडी, और कैन वी, क्या बोलते हैं उसको, ये जो प्रोसेस है ना, हम जिस प्रोसेस का पार्ट है, जो प्रोसेस को हम डे टू डे लाइफ में हम लोग फील कर रहे हैं, क्या हम उसको उतना ऑब्वियस बना दे कि इट बिकम्स एज ऑब्वियस एज सो जाना। मतलब ऐसा है कि सामने चार क्वेश्चन हो तो ऐसा लगे कि अरे चार क्वेश्चन अनसॉल्व पड़े हैं, किसी ने सॉल्व नहीं किया इसको, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूं या देख रही हूँ, सॉल्व कर देता हूँ, ये कर देती हूँ। दिस शुड बिकम अ ऑब्वियस फीलिंग, है ना। एग्जैक्टली, सिद्धार्थ का कहना है ये जो डेली रूटीन जब बन जाएगा, है ना, सीधी बात है भाई,
अपने को उसको ऐसा ऐसा बनाना है ना कि वो अपने को कांस्टेंट डोपामिन रश देता रहे। अगर हमें कांस्टेंट डोपामिन रश आता रहेगा अपने पढ़ाई से, तो शायद शायद हमें कंपैरेटिवली थोड़े कम मोटिवेशन की जरूरत है, शायद उतना ही मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट है जैसे बेड से उठ के टेबल पे बैठ जाओ, है ना। वो फिजिकल मूवमेंट है, लेकिन फिजिकल मूवमेंट वाला मोटिवेशन देखो कई बार है ना, एक चीज मैं करता था, ठीक है। अब एक ना हेटर्स फेटर्स को तो छोड़ो भाई, थर्ड पर्सन शुड नॉट डिफेक्ट बोलूंगा, अफेक्ट नहीं बोलूंगा, थर्ड पर्सन शुड नॉट बी अ कॉज ऑफ योर डीमोटिवेशन, पहला पार्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये आपको सीखना जरूरी है, अदरवाइज यू विल गेट इन्फ्लुएंस बाय एवरीथिंग, एवरीवन, एवरी सिचुएशन, एवरी पर्सन, एवरी इंसिडेंट। मोटिवेशन जो है, मोटिवेशन लाने के लिए ना कई बार ऐसा होता है, मतलब आई विल जस्ट शेयर यू व्हाट आई यूज्ड टू डू। आई एम पॉज्ड, क्या क्या मेरा लैग हो रहा है? सब लोग प्लीज जरा बताइएगा। देखो हो सकता है आज मेरा लैग आए, बिकॉज ठीक है ना, थोड़ा बहुत नहीं, क्योंकि मेरा इंटरनेट आज वो है, मैं फोन से इंटरनेट कर रहा, तभी मेरे को ज्यादा टाइम लग गया। मेरा वो पता नहीं यहाँ पे राउटर को कुछ प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है, तो थोड़ा सा शायद लैग हो सकता है, ठीक है ना, ये मेरे साइड से आज लैग होगा। तो मैं, हो सकता है अगर ज्यादा लैग हो तो मैं वीडियो ऑफ करूंगा, ठीक है ना, प्लीज थोड़ा सा बेयर विद मी। तो डिस्ट्रैक्शन किल्स मोटिवेशन, सही बात है भूषण, मोटिवेशन इज लाइक वी हैव टू लाइक रिगरसली डू समथिंग, एंड एनीथिंग दैट स्टॉप अस फ्रॉम रिगरसली डूइंग दैट थिंग इज अ डिस्ट्रैक्शन। तो मैं ये कह रहा था कि मैं क्या करता था, आई यूज लाइक आई आई फील द बिगेस्ट, लाइक होता ना सेल्फ मोटिवेशन का जो बिगेस्ट प्रोसेस होता है ना, दैट इज ड्रीमिंग। ड्रीम ऑलवेज, मतलब व्हेन यू ड्रीम, डे ड्रीम करो जो करो, मतलब आई इट्स लाइक नाइट ड्रीम आर आई थिंक नॉट दैट दैट इफेक्टिव, डे ड्रीमिंग इज वेरी इफेक्टिव। कितनों को फील होता है सर डे ड्रीमिंग में बहुत टाइम निकालते हो, निकालते हो क्या डे ड्रीमिंग? है डे ड्रीमिंग बहुत बहुत पावरफुल चीज है भाई साहब, मजाक नहीं कर रहा। इट इज, वो जितना टाइम अपना उसमें वेस्ट हो जाता है ना, उतना उतना ही हम उसमें मोटिवेशन भी निकाल सकते, गिवन दैट यू हैव अ स्ट्रेंथ टू कंट्रोल द लाइन ऑफ योर थॉट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आप जिस एज में हो ना, दिस इज द एज जहाँ पे आपके ब्रेन का जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं, नीट वाले लोग शायद शायद मेरी बात समझ पाएंगे, लेकिन डे ड्रीमिंग जो है, ड्रीमिंग कम्स फ्रॉम द क्रिएटिव पार्ट ऑफ आर ब्रेन, ठीक है। व्हेन जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है उसमें उसमें क्या होता है कि जो डिसीजन मेकिंग होता है ना, जिसमें जैसे यार मेरे को कल सुबह 6 बजे उठ के ये फलाना फलाना चीज करनी है, ठीक है, 6 बज के बाद मैं 8 बजे ये करूंगा, ऐसा ब्रेकफास्ट कर लूंगा, ये खत्म कर दूंगा, एंड देन आई विल डू दिस, एंड बाई 10 o'clock आई विल बी एबल टू स्टार्ट विथ दिस XYZ थिंग। ये प्रोसेस जो है ना, वेर यू लाइन अप थिंग्स, वेर यू प्लान योर थिंग्स, दिस हैपन्स इन दिस पार्ट ऑफ योर ब्रेन विच इज कॉल्ड प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। इधर नहीं होता, मैं बस ऐसे शो कर रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मालूम ब्रेन में कहाँ पे है वो, ठीक है। बट वी थिंक मोर अबाउट फ्यूचर रादर देन प्रेजेंट, आई अंडरस्टैंड क्रिश, दैट्स हाउ वी ह्यूमन बींग्स लिव आर लाइफ, दैट्स द होल रीजन यू आर स्टडिंग राइट नाउ। अगर तुम सिर्फ प्रेजेंट का सोचते रहते तो तुम ऐसा हाथ में ऐसा वो क्या बोलते हैं उसको, वो जाके ऐसा मारा पीटी करके, अच्छा हाँ आज ये जानवर पकड़ के लाया, खाया, मजा आया, है। दैट इज हाउ यू वुड हैव बीन लिविंग लाइक अ लाइक एन एनिमल। द ओनली रीजन वी जैवलिन, हाँ, द ओनली रीजन वी आर वी आएंगे इसका जोन पे आएंगे, बट वी आर एबल टू डू थिंग्स, वी आर एबल टू क्रिएट दिस होल इंफ्रास्ट्रक्चर, वी राइट नाउ आर सिटिंग इन आवर रूम्स, राइट, लाइक यहाँ पे करीब करीब 180 लोग हैं, भले सारे के सारे मेरी बात उतने अच्छे से नहीं सुन पा रहे, लेकिन हम सारे के सारे लोग अपने रूम में बैठ के एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, ये बात समझ पा रहे हैं, और
Eventually, we are able to aspire to crack an examination, which is like one of the most difficult examinations, right? This all is happening because we are thinking of a future, of a day where we will be better than what we are today, of a day when we will be able to have a greater impact in our lives, in other people's life, as compared to what we are doing today. Hai na? So, wo bahut, bahut badi cheez hai. This all is coming out of you. The effort that you are putting in all these things is because you are dreaming, right? You are dreaming for a better future. Now, things might go the right way, things might go the wrong way, but your effort will never be lost. That is the first thing that I will try to tell you. ठीक है, अगर तुमने फाइट मार किसी चीज के लिए फाइट मारा है ना, तुमने फाइट मारना समझ में आता है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब अंदर से आप किसी चीज पे फाइट मार रहे हो ना लाइफ में, तो यार आप कहीं ना कहीं तो पहुंचोगे, है ना, और उसका कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा एज अ इंडिविजुअल, एज अ पर्सन, आपके एटीट्यूड लेवल पे, आपके इमोशनल लेवल पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है. ठीक है, अगर आप मेहनत कर रहे हो, हाँ मेहनत करना, ठीक है, फाइट मारना इज मेहनत करना, ठीक है ना, फाइट मारा बेटी ने, तो आइडिया इतना है कि हाउ डू वी मोटिवेट आर सेल्फ एवरी डे, वी हैव टू टेल आर सेल्फ अ स्टोरी. लैग हो रहा है, आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस पार्ट टूडे, आज थोड़ा लैग आएगा, बट वी हैव टू कॉन्स्टेंटली टेल आर सेल्फ अ स्टोरी. हाँ, और वो स्टोरी जो है ना, वो स्टोरी का पार्ट आप हो, उस स्टोरी आप स्वयं हो, उस स्टोरी के कैरेक्टर आप हो, उस स्टोरी के जो लीड हीरो हीरोइन जो हो ना, द लीड कैरेक्टर जो है वो आप स्वयं हो. नाउ द आइडिया इज, हाँ भाई लैग कम हुआ क्या, मैंने वीडियो ऑफ किया, लैग कम हुआ. अब मैं बस आपको ये बता रहा हूं कि जो स्टोरी आपकी जिंदगी है, वो स्टोरी को आप कहां ले जाना चाहते हो, आप वो कहानी को आप कहां पे ले जाना चाहते हो, उस कहानी में आप अपने आप को कहां देखना चाहते हो. इट्स अ वेरी वेरी बिग मोटिवेशन, ट्रस्ट मी, बिकॉज इवन आफ्टर दिस एग्जाम खत्म हो जाएगी, उसके बाद जिंदगी भर ऐसे नहीं पढ़ते रहोगे कि सुबह उठे रात को सोने के तक पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, बीच में परेशान हो रहे हो, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, डिप्रेस हो रहे हो, खुश हो रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, बट आफ्टर दिस थिंग्स विल बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड, आफ्टर दिस थिंग्स विल हैव मोर डिसीजंस टू मेक, आफ्टर दिस योर डिसीजंस विल हैव मोर इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ एवरी डे. जस्ट थिंक अबाउट दैट, दोज डिसीजंस, हाउ डू यू थिंक यू विल बी टेकिंग दोज डिसीजंस. शाम को दोस्त की पार्टी है लेकिन कल मेरी टेस्ट है, यू हैव टू मेक अ डिसीजन कि मैं पढ़ाई करूं या आज पार्टी करूं. मैं बता रहा हूं अभी बड़ा मजाक लग रहा है, बट यस, यू कॉल इट प्रायोरिटीज, यू कॉल इट वॉट एवर यू वॉन्ट. आई एम जस्ट टेलिंग यू, यू विल बिकम अ पर्सन on the basis of the decisions that you have made in your life, and every day that pass in your life, those decisions are going to become more and more profound. Day after day, your decisions will have more impact on you, on people around you, on people that you will be interacting with, on the people. सोचो ना, आप में से कल डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, आप अच्छे पोजीशंस पे जाओगे, स्टार्टअप्स करोगे, यू विल हैव योर ओन सेटअप, यू विल बी डूइंग अ लॉट एंड लॉट ऑफ थिंग्स. दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ लाइफ वेयर यू आर टेकिंग, बोलते हैं ना कमान संभालना, बोलते हैं ना, आप अपनी जिंदगी के डायरेक्शन को यहां से ड्राइव करने वाले हो. Now, can you afford losing this precious time in doing whatever thing that you know is distracting you?
आपको पता होता है ना, आप हर बार जब आप कोई चीज, आपके अंदर वो गिल्ट वाला फैक्टर होता है ना, गिल्ट सबको आता है कि नहीं आता, मुझे ये बताओ, अंदर से गिल्ट आता है ना टाइम वेस्ट करने के बाद, बहुत गिल्ट आता है, वो गिल्ट से कैसे डील करोगे? वो गिल्ट क्या है? वो गिल्ट ये है, वो आपका ब्रेन है आपके दिल को बोल रहा है कि भाई देख, तूने आज फिर अपने मन की चला ली, है ना? वो गिल्ट ही तो है, कहीं ना कहीं हमारे कॉन्शियस को सही डायरेक्शन में ले जाता है। आप इमेजिन करो ना, दिस इज अ वेरी स्मॉल गिल्ट कि अरे पढ़ाई नहीं किया, और आज मैंने पढ़ाई नहीं किया, कल फलाना कोई एग्जाम है, टेस्ट है, फिर टेस्ट में कम मार्क्स आ गए, फिर आपको और बुरा लगता है, आप रोते हो, अपने आप से गुस्सा होते हो, फिर सोचते हो कि नहीं मैं वापस ये नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगी, एंड देन यू स्टार्ट स्टडिंग एंड देन आफ्टर अ कपल ऑफ डेज सेम थिंग, है ना? दो दिन तीन दिन मेहनत करने का फिर ऐसा लगता है अच्छा थोड़ा सा थोड़ा सा प्लीज थोड़ा सा एक एक सीरियल है, एक पार्टी, एक मूवी, इट ऑल स्टार्ट्स विथ वन। इट्स एक तुमको छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, पता है, दिस इज समथिंग जो मेरे सर ने मुझे कहा था, एंड आई ऑलवेज रिमेम्बर दिस थिंग। मैं मन की बात नहीं कर रहा, मैं तो बस वही बात कर रहा हूँ जो हम सबके साथ हुआ है, ये तुम्हारे साथ हो रहा है, मेरे साथ हो चुका है, शायद मेरे साथ अभी भी होता है, बट इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट ऑल टुगेदर, है? सर्वेश बोल रहा है कपल ऑफ डेज बहुत हुआ, चंद घंटों में खत्म हो जाता है। नहीं, तो वो चंद घंटों वाला लाइक अ कार, राइट? हम अपने अंदर जितना पेट्रोल भरेंगे मोटिवेशन वाला, उतनी तो गाड़ी चलेगी ना, है? हाउ स्ट्रॉन्ग इज योर मोटिवेशन? हाँ बिल्कुल हो सकता है आर्यन, तो वो जो मोटिवेशन है ना, वो मोटिवेशन कई बार लंबा चलता है, कई बार छोटा चलता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ ना, दिस इज द पार्ट वेर यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स अफेक्ट यू, समझ रहे हो? अपने आप को हमको बेहतर बनाना है। दिस ऑल दिस थिंग्स यार, ऑर्गेनिक पढ़ो, इनऑर्गेनिक पढ़ो, फिजिकल पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, दिस इज जस्ट अ प्रोसेस, जस्ट अ प्रोसेस। द आइडिया इज, इवन इफ इट इज डिफिकल्ट, आर यू विलिंग टू टेक दैट स्टेप? तुम लोगों ने अपने जिंदगी का 1.5 साल, आप इमेजिन कीजिए, जिंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट 1.5 साल इस प्रोसेस में गुजारे, एंड यू आर एट अ पॉइंट वेयर यू नो ऑल द टॉपिक्स, All the subjects which you have to study, जिसमें से questions आते हैं, जो तुमको नहीं आते, जिसमें तुम हमेशा गलती करते हो, you know that. अगर तुम्हारा backlog है तो तुमको पता है तुम्हारा backlog क्या है. You are not at a point where you are like, अच्छा बताइए जरा IIT कैसे करे. No, you are not at that point. You have brought yourself this far. Now the idea is, जो 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 डिसीजन हमने लिया था, जिसके लिए हम ये एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, that requires us to put an extra effort. वो एक अंदर से है ना, एक extra अब आपको force लाना होगा. And trust me, no party, no TV series, no food, no other distraction, no Instagram likes, no Facebook likes will ever give you that kind of a joy. जो तुमको मिलेगा जब तुम्हारा रैंक आएगा, जो मिलेगा जब तुमको वो कॉलेज में जाने का चांस मिलेगा जिसके बारे में तुम हमेशा सोचते थे. It's a happy होता है ना, जो सबसे dish होता है ना, I am a person who is like really more interested in food all the time. बट जो डिश बनने में ज्यादा टाइम लगता है ना, वो डिश उतनी ही प्यारी, उतनी ही टेस्टी बनती है, और उसमें जितना आप मेहनत करो ना, आपको उतनी ही खुशी मिलती है ना? इजी ग्रेटिफिकेशन इज इजीली गॉन एज वेल. आसानी से मिली हुई चीज आसानी से चले जाएगी, जितना आसानी से मिली थी उतना आसानी से निकल जाएगी, जितनी जल्दी खुशी हुई थी उतना ही जल्दी दुख भी दे देगी,
लाइफ इज ऑल अबाउट दैट, इट्स ऑल अ साइन वेव, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट यार, हाउ कैन यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड एवरी डे टू रीच दैट पोजिशन विच यू आर लॉन्गिंग फॉर. फर्स्ट थिंग, स्टॉप ट्राइंग टू गेट ऑल द एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड. एनर्जी तुम्हारे अंदर है. यस, वॉचिंग मोटिवेशनल वीडियोज कैन हेल्प यू. देखो मुझे नहीं पता क्या तुमको मोटिवेशन देगा, ट्रस्ट मी, यू नो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर. आई एम जस्ट अ पर्सन हु इज जस्ट शेयरिंग माय एक्सपीरियंस, राइट? दैट्स इट. मेरे साथ ये हुआ था, मैंने कुछ ऐसा किया, मुझे मोटिवेशन आ गया. मैं डे ड्रीम करता था, मेरे लिए बहुत अच्छा, मतलब आई यूज टू ऑलवेज थिंक ऑफ दिस कि मैं बड़ा कुछ ये करूंगा, कंपनी बनाऊंगा, ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाऊंगा विच विल सेव नेचर, विच विल बी इको फ्रेंडली, विच विल बी लाइक यूज बाय एवरीवन, एंड विच विल इवेंचुअली मेक द होल प्लैनेट सस्टेनेबल. आई यूज टू थिंक अबाउट दिस, आई यूज टू मोटिवेट माई सेल्फ लाइक दिस, आई यूज टू ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन माई सब्जेक्ट that would eventually help me create something like this. I don't know, that was like a very stupid dream, but it helped me nonetheless. So don't judge yourself. You might have any kind of motivation, just keep on moving in that path, or as long as wo positive ho tumhare liye, kisi aur ke liye bura na ho, tab tak wo ek acha motivation hai. Theek hai. एंड एक चीज जो मैं बताना चाहता था आपको, जो मेरे टीचर ने मुझे बताया था, बंसल सर, पता है आपको वीके बंसल सर, आपको पता है कौन है? कितना लोगों को वीके बंसल सर कौन है? यस, नहीं पता, ठीक है, कोई बात नहीं. तो कोटा जो है ना, कोटा फैक्ट्री जो अपन बोलते हैं, ये सीरीज तो सबने देखा ही होगा, कोटा फैक्ट्री है. तो आई हैपन टू do my coaching from Bansal Classes Kota. ठीक है, Bansal Classes Kota जो है ना, वहां पे सबसे पहली बार, मतलब आप सोचिए कोटा की जो सबसे पहली कोचिंग क्लास थी वो बंसल सर ने स्टार्ट किया था. एंड यू वोंट इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन ही वॉज. ही वॉज एक जेके सीमेंट इंडस्ट्री थी वहां पे. सिद्धार्थ, मैं वीडियो ऑन करूंगा तो लैग आएगा, एंड आई थिंक वॉट आई एम सेइंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन माई फेस, ट्रस्ट मी. ठीक है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो बंसल सर जो थे, एट द एज ऑफ, आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट हिज एज, ठीक है, बट मतलब माहेश्वरी, हाँ वो मेरे को नहीं पता, हाँ माहेश्वरी फ्रॉम कोटा फैक्ट्री, आप ऐसा सोचे वही थे. तो वीके बंसल सर जो थे, ही वॉज वर्किंग इन अ इंडस्ट्री, जेके सीमेंट या कोई तो ऐसी इंडस्ट्री थी वहां की, बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी. एंड ड्यू टू सम रीजन वो इंडस्ट्री क्लोज हो गई. नाउ कोटा वॉज अ सिटी विच वॉज एक्चुअली अराउंड दैट इंडस्ट्री, मतलब वहां पे जितने भी लोग रहते थे उनको वही से पैसा आता था, एंड वही उनका लाइफ वो था, ठीक है, मतलब सोर्स ऑफ इनकम था. Now when this industry stopped, there were people there who got like jinke like job chale gaye and everything that happened. To Bansal sir jo the, after that point unko paralysis ho gaya. Theek hai, Bansal sir got paralyzed. Sabko lag aa raha hai kya? Nahi na, theek hai. So Bansal paralyzed, and matlab all he can move was his hand and speak, that's it. अब वो से बात कर सकते थे और उनका हैंड मूव हो सकता था, ऐसे कंडीशन में, that was a type of a condition in which he was, and he started teaching students. उन्होंने बोला कि दो चार बच्चे थे आसपास, उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, ठीक है. अब वो पढ़ाना उन्होंने स्टार्ट किया और धीरे धीरे within some years उनके पास कुछ बच्चे अच्छे आने लग गए, एंड ही इंश्योर्ड कि वो उतनी मेहनत करे कि वो जेई का एग्जाम क्रैक कर सके. वन ऑफ ए स्टूडेंट गॉट इनटू जेई, धीरे धीरे और लोग बढ़ते गए. विद इन फ्यू ईयर्स ही स्टार्टेड हैविंग अ बिग बैच ऑफ स्टूडेंट्स जिनको वो मैथ्स पढ़ाते थे, ठीक है, एंड रेस्ट इज अ हिस्ट्री. आज पूरे इंडिया का अगर सबसे बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का सेंटर कोई है जहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चे तैयारी करते हैं, तो दैट इज कोटा. तो अ पर्सन हु आई कैन से लाइक वाज फिजिकली डिसेबल्ड क्रिएटेड एन इंडस्ट्री
created a source of income for like more than 10 lakh people living in that region of Kota. Can you just imagine? इन्होंने एक बात कही थी क्लास में हमारे, ठीक है, एंड दैट हैज स्टेड विद मी थ्रू आउट माय लाइफ. उन्होंने बोला कि आप सब मेरी आवाज सुन पा रहे हो ना, ठीक है, एक छोटा सा आप लोगों को एक्टिविटी करना है, बहुत सिंपल सा एक्टिविटी है. जस्ट आप अपना हाथ है ना, ठीक है, राइट नाउ व्हेन आई एम सेइंग दिस, प्लीज ट्राई टू होल्ड योर हैंड ऐसा पूरा अपने लाइक अब मेरे को वीडियो ऑन करना पड़ेगा. इस तरह से हाथ होल्ड करो सब लोग, प्लीज प्लीज डू दिस फॉर मी, डू दिस फॉर बंसल सर एटलीस्ट, है ना, यहां से गैप रखना है, ठीक है. प्लीज होल्ड योर हैंड लाइक दिस, राइट करो लेफ्ट करो जो भी, ठीक है, जैसे भी आप करना चाहो ऐसे हाथ होल्ड करके रखो. सब लोगों ने होल्ड किया, अभी होल्ड किया तो कैसे लिखेंगे, दूसरे हाथ से टाइप करो. सबने होल्ड किया क्या, सबका हाथ ऊपर है, ठीक है. प्लेज, यस यस, प्लेज में, प्लेज के लिए जैसे हैंड रेस करते हैंड ऐसे उठाते वैसे, ठीक है, प्लेज वाला करो हैंड, ठीक है. एक बहुत अभी हाथ नीचे नहीं जाना चाहिए, जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक हाथ नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है. तो उन्होंने एक बात बोला कि देखो क्या है जिंदगी में ना, जो मोरल वैल्यूज होता है, ठीक है, आई विल हैव टू स्टॉप दिस, नहीं आई वॉन्ट स्टॉप, अगर नहीं आई विल हैव टू स्टॉप दिस वीडियो, बट मेरा हाथ ऊपर है, ठीक है, ट्रस्ट मी. ये जो मोरल वैल्यूज होते हैं ना, ये जो एथिक्स होते हैं, जो एफर्ट होता है, वो सारी चीजें ऐसी है ना, डिसिप्लिन जो होता है, ये सब ऐसी चीज है ना जिसको करने के लिए एफर्ट मारना पड़ता है, अंदर से ताकत लगानी पड़ती है. जस्ट लाइक होल्डिंग योर हैंड, आप अभी अपना हाथ ऊपर रखे हो, आपको सबको पेन फील होना शुरू हो गया है अपने शोल्डर में, है ना, शोल्डर से एक स्ट्रेन फील होना शुरू हो गया है. लाइफ इज लाइक दिस. अगर आपको डिसिप्लिन लगेगा, अगर आपको डिसिप्लिन लाना है, अगर आपको कोई भी चीज अचीव करना है, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए आपको हाथ होल्ड करके रखना पड़ेगा. इट इज वेरी इजी टू लेट योर हैंड फॉल, जस्ट एक बार हाथ छोड़ दो, जरा हाथ छोड़ दो. डू यू हैव टू पुट एन एफर्ट, हाथ नीचे लेने के लिए एफर्ट मारना पड़ा क्या? ग्रेविटी डिड इट, राइट? कितना अच्छा लग रहा है हाथ नीचे रखना, कितना आसान लग रहा है, कितना बेहतर लग रहा है. अरे यार लाइफ, ओह, 5 मिनट के लिए तो आपने जिंदगी बर्बाद कर दी थी हमारी. नहीं, सुकून मिल गया ना हाथ नीचे लेती. लेकिन अगर आपको कुछ अचीव करना है, आपको अपना हाथ ऊपर रखना पड़ेगा, आपको वो पेन सहना पड़ेगा. इट्स अ कॉन्स्टेंट एफर्ट, इट्स अ कॉन्स्टेंट फोर्स. सही बोल रहा हूं क्या? नहीं, यू हैव टू कंटिन्यूअसली डू दैट. यू कैन नॉट लेट योर हैंड गो डाउन. इट इज वेरी इजी, इट इज वेरी इजी फॉर यू टू लेट द ग्रेविटी डू द वर्क एंड लेट योर हैंड गो डाउन. यस, यू कैन गेट सक्सेस अंटिल बहुत अच्छी बात बोला है इतने. यू कांट गेट सक्सेस अंटिल यू वॉन्ट इट एज मच एज यू वॉन्ट द एयर, राइट? यस, दैट इज द ट्रूथ. रिमेंबर, दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल दैट एनी वन कुड हैव गिवन मी. व्हेनेवर आई फील डाउन, व्हेनेवर आई फील डिप्रेस्ड, व्हेनेवर आई फील लाइक इट्स जस्ट टेकिंग टू मच ऑफ माय एफर्ट, I will just think about this statement. यार मेरे को हाथ ऊपर रखने के लिए अगर मेहनत करना पड़ेगा, यार अपने aspirations को, अपने aims को, अपने जितने भी life के मैं achievements चाहता हूँ उन तक reach करने के लिए तो मुझे बहुत ज़्यादा effort मारना है. And it cannot be a step effort. It has to be a continuous effort. You have to continuously defy the gravity. That's it. We know the truth. All of us know the truth. Right?
थोड़ा सा फाइट मारते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, वी आर गोइंग टू रीच समवेयर. लेट दैट प्लेस बी अ गुड प्लेस, अ नाइस प्लेस एंड अ हेल्पफुल प्लेस, राइट? आई थिंक इट इज टाइम वी शुड स्टार्ट विद द एल्कोहल वाला पार्ट. आई नो इट्स ऑलवेज द मोटिवेशन हो, लेकिन लगता तो बड़ा अच्छा है सुन के, है ना? एग्जीक्यूट करना है. रैंकिंग ऑफ टॉप मोटिवेशनल. थैंक यू देवराज. सोहम का कहना है जब तक हाथ ऊपर नहीं रखेंगे तब तक नीचे रखने के सुकून नहीं मिलेगा, है ना? नीचे रखने का सुकून कब मिले. सही बात है. चलो आज हम लोग अल्कोहल आगे कंटिन्यू करते हैं. ना अच्छी बात है. अगर आप देखो, ऑल आई कैन डू इज जस्ट टेल यू दैट इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी, इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक सिंपल, बट यस, इफ वी कैन डू इट, इफ यू कैन कीप ऑन ट्राइंग एवरी डे, थोड़ा थोड़ा तो एफर्ट मारना है, थोड़ा एफर्ट मारना. यू जस्ट हैव टू टेल यूर सेल्फ, एक क्वेश्चन और, 15 मिनट और पढ़ लेते हैं, है ना? वो बस वही चीज आपको हमेशा आगे रखेगा, ठीक है? 2 दिन के बाद सब डीले हो जाएंगे, कोई बात नहीं आर्यन, 2 दिन के बाद भी मैं वापस आऊंगा, है ना? मैं वापस आपको याद दिलाते रहूंगा, ठीक है? आप मुझे याद दिलाते रहना. वी ऑल वॉन्ट टू अचीव समथिंग, ठीक है? द एस्पिरेशन विल नेवर गो अंटिल देर इज लाइफ इन आर बॉडी, है ना? मैं यही हूँ. मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं. आज हम बात करते हैं अबाउट एल्कोहल का फॉर्मेशन. आपको याद आ रहा है ये सारी चीज जो हमने पिछले क्लास में कंप्लीट किया था? वी स्पोक अबाउट हाइड्रोलिसिस, द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस एंड हाइड्रोलिसिस हमने अल्काइल हैलाइड का करवाया था, उसके बाद एल्कीन्स का करवाया था, ठीक है? विथ रीअरेंजमेंट, विदाउट रीअरेंजमेंट किया था, ठीक है? सोहम, 1 घंटा मोटिवेशन का अलग रखना पड़ेगा. नहीं, लेट मी फाइंड आउट सम वे. आई डोंट, देखो आई कैन मेक अ वीडियो एंड सेंड दिस, सेंड द वीडियो टू यू, ठीक है? मैं एक मोटिवेशनल वीडियो बना के तुमको भेज दूंगा, लेकिन आई डोंट थिंक दैट विल हैव द इफेक्ट दैट इट दैट इज एक्चुअली हैपनिंग इन अ लाइव क्लास. आई डोंट नो, मतलब वो वीडियो विल बी अ वन साइड कन्वर्सेशन, है ना? वॉइस इज लैगिंग. एक सेकेंड होल्ड करो, ठीक है? एक गिव मी अ मोमेंट. मैंने तो वीडियो ऑफ रखा है भाई, करो, ठीक है? अभी चेक. स्टिल लैगिंग. माइक चेक, 1 2 3. माइक चेक, 1 2 3. हाँ यार, मेरे साइड से ना वॉइस भी ब्लर हो रहा है.
अब बताओ अभी है क्या बेटर? नहीं है, स्टिल लैगिंग। मोबाइल खिड़की में रखो, वॉइस क्रैक भी हो रहा है। माइक चेक, माइक माइक चेक। अच्छा आप लोग प्लीज होल्ड करो, ठीक है? अभी क्लियर है? डन, आगे बढ़े, शुरू कर। चलो परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है ठीक है। अभी जो अभी है ना, कुछ अगर ऐसा मिस भी हो जाए तो प्लीज फोकस कीजिए स्क्रीन पे। जो भी चीज मैं लिख रहा हूँ वो अभी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो भी चीज अब आप देखने वाले हो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो थोड़ा देखते रहिए, ठीक है? तो आज हम लोग बात करेंगे अबाउट रिडक्शन, ठीक है? एक बार मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ, प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एल्कीन या एल्कीन ऑक्सीडाइज करके आपने बनाया अल्कोहल, ठीक है? अल्कोहल ऑक्सीडाइज करके बनता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज करके बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है? नाउ द अदर वे अराउंड इज रिडक्शन, ठीक है? तो अगर आप रिडक्शन करोगे तो अब आपको अल्कोहल मिल सकता है, ठीक है? तो आज हम लोग फोकस करेंगे ऑन रिडक्शन। सो अगर मेरे पास एल्डिहाइड है, क्या मिलेगा मुझे रिडक्शन पे? CHO, आपको याद आ रहा है ना? CHO मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था। CHO बोले तो क्या? इट इज RCOHOHH, दिस इज CHO। व्हेन यू आर रिड्यूसिंग इट, आप क्या कर रहे हो? एक OH को रिड्यूस कर रहे हो। व्हाट आर यू सपोज टू गेट? RCH2OH। समझा क्या? कौन सा अल्कोहल होगा ये? 1 डिग्री प्राइमरी अल्कोहल बोल सकता हूं मैं? ठीक है, अगर मेरे पास है आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश ले लेता हूं अभी के लिए, जस्ट एक डिफरेंट हो जाए, ठीक है? 1 डिग्री या इसको अपन प्राइमरी भी बोलते हैं ना, ठीक है? अगर आपके पास कीटोन है, तब कीटोन है तो दो अल्काइल ग्रुप तो लगे रहेंगे ही उसके ऊपर। वो जो डबल बॉन्ड ओ है, विच इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू 2 OH, उसमें से एक OH रिड्यूस हो जाएगा, तो यू विल एंड अप विद 1 OH ओनली। तो आर सी एच आर डैश और इसके ऊपर क्या लगेगा? OH। समझा क्या? सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा 2 डिग्री। अगर मेरे पास ये कंपाउंड है, तो इसके रिडक्शन पे मुझे क्या मिलेगा? हाँ, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अवेयर, दिस कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट। काहे कि ये कार्बन 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता, समझे ना? बेसिक बात है। लेकिन सो देर इज नो वे आई कैन गेट अ 3 डिग्री अल्कोहल बाय रिडक्शन ऑफ एनी एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है? एल्डिहाइड को रिड्यूस करोगे 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन को रिड्यूस करोगे तो 2 डिग्री या सेकेंडरी अल्कोहल। इज इट क्लियर? यहां तक सब क्लियर है, ठीक है? अच्छा एक और क्वेश्चन, अगर मेरे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, इसमें मैं डालता हूं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डालता हूं, हाँ, तो एकदम स्ट्रॉन्ग डाल दिया तो ये सही बोल रही हो, एल्केन मिलेगा। किस याद आ रहा है?
नाउ हेट तुमने अल्केन बोला तो तुमको नहीं, प्रणव ने भी अल्केन बोल दिया, अल्कीन बोल दिया। बताओ भाई अल्केन अल्कीन वाला प्रोडक्ट मेरे को पहले याद दिलाओ कौन है। वेरी गुड, क्रिश पटेल ने आंसर दे दिया। कौन अल्केन बनाता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट? रेड फॉस्फरस HI। यस परफेक्ट है ना, रेड फॉस्फरस HI जो है ये क्या बना देता है? अल्केन बना देता है। ठीक है, लेकिन अगर हम जनरली स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स में अगर LAH को गिनते हैं, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, NaOH COO, बिल्कुल ये भी बना देगा। डी कार्बोक्स सोडा लाइम, डी कार्बोक्सिलेशन अगर आप करवाओगे तो भी आपको मिलेगा क्या? एल्कीन। ठीक है, डन प्रणव। वीडियो ऑन नहीं है तो क्लास का फील नहीं आ रहा है, बट वी हैव टू यस एडजस्ट फॉर अ डे, प्लीज कोमल। ठीक है, क्योंकि क्या है मेरे को नहीं पता, ड्यू टू सम रीजन वो वाईफाई साइन आउट दिखा रहा है, आई एम नॉट एबल टू सॉर्ट इट। ठीक है, ऊपर का नहीं दिख रहा, दिखाता हूँ। लेकिन अगर मैं LH डालूंगा, ठीक है एक सेकेंड, बस मैं राइट हैंड साइड एक बार सॉल्व कर लू। DNA does not exist structure if we bring this structure as a transition state of some reaction, कह सकते हो रुतुजा, then it won't be redox reaction, ठीक है it won't be reduction। RCOOH है अगर आपके पास, इसको reduce करते हैं तो आपको मिलेगा primary alcohol या 1 degree alcohol। ठीक है ना, ऊपर से एक बार देख लीजिए, सब दिख रहा है आपको? और ऊपर स्क्रॉल करना है क्या? उत्तरा कह रही है और स्क्रॉल कर दो, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं, है ना, देख लो। बेसिक रिडक्शन प्रोसेस की मैंने अभी बात किया, तो वी आर टेक्निकली रिड्यूसिंग द कार्बोनिल ग्रुप। सी डबल बॉन्ड ओ इज अ कार्बोनिल ग्रुप, उसका हम लोग रिडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, और वीक रिड्यूसिंग ये एजेंट यूज किया लाइक TPH तो एल्डिहाइड मिलेगा। बिल्कुल, TPH क्या है? नहीं मैं आगे नहीं कर रहा हूं, देख लो, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, करेक्ट, PH3SNH। याद है हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था। हमने इसका नहीं बात किया, PH3SNH एक्चुअली सेकेंड रिएक्शन कार्बन विथ 2H, व्हाई डिडंट फॉर्म एल्डिहाइड? मैं समझा नहीं क्या कह रही हो रुतुजा, व्हाई डिडंट इट, मतलब इट्स ऑलरेडी एन एल्डिहाइड। ये जो है ये यही है, ये दोनों सेम चीज है। ठीक है, चलो अभी हम लोग बात करेंगे अबाउट टू वेरी इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स, LH and NaBH4. यार एक रिएक्शन है ना, एक रिएक्शन रह गई थी अल्कीन में, मुझे याद था, फिर मैं सोचा था आपको बताऊंगा, मुझे बाद में याद दिलाना, पहले अपन रिडक्शन खत्म करते उसके बाद मुझे याद दिलाना, अपन वो भी कर लेंगे। ठीक है, एल्कीन का हाइड्रोफॉर्माइलेशन करके एक रिएक्शन थी, एल्कीन से अल्कोहल बनाने वाला प्रोसेस। ठीक है, रिडक्शन ये सबको क्लियर है? ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो मैं रिडक्शन कर रहा हूं ना, रिडक्शन इज टेक्निकली अटैक ऑफ अ हाइड्राइड एच माइनस, है ना। अपन ने वैसे बचपन में जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा था, ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे टेक्निकली वही हो रहा है। अगर मैं इस चीज को
ये सब ने लिख लिया, आगे बढ़ सकता हूँ ना मैं। तो मैं अगर यहाँ पे ये कहूँ कि टेक्निकली हो क्या रहा है यहाँ पे हमारे सामने, सी डबल बॉन्ड ओ जो है ना, सी डबल बॉन्ड ओ इसके ऊपर एच माइनस अटैक कर रहा है, ऐसा इमेजिन करो है ना। एच माइनस अगर यहाँ पे अटैक कर रहा है तो सी डबल बॉन्ड ओपन हो जा रहा है, और फिर वो वहां पे उसका आजू बाजू किसी से तो भी वो एच प्लस ले ले रहा है। तो यहाँ पे इसने एच जोड़ गया, इसने कहीं से एच प्लस और जुगाड़ दिया, प्लस एच प्लस, यहाँ पे ओ एच हो गया, बराबर है। तभी एल्डिहाइड से मुझे मिला 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन से मुझे मिला 2 डिग्री अल्कोहल। अब मेरे पास अगर एल्डिहाइड कीटोन है लेकिन मेरे को हायर डिग्री अल्कोहल बनाना है तो क्या मैं कर सकता हूँ? तो दिस इज वेयर वी विल ब्रिंग इन टू द गेम ग्रिगनार्ड। फाइनली ग्रिगनार्ड आ गया। अभी प्रिया इज हैप्पी है। चलो ग्रिगनार्ड बोले तो क्या, ग्रिगनार्ड बोले तो ऐसे इसको रिगनार्ड बोलते हैं, ठीक है, जी साइलेंट, बट इंडियन लोग साइलेंट चीज को साइलेंट ना रखे तो चलता है, वी आर वेरी लाउड पीपल। तो क्या है, वी गेट सी, ठीक है, फॉलोड बाय H3O+, ऐसा अपन करेंगे, ठीक है। तो जब ऐसा लिखा रहता है ना CH3MgBr और नीचे H3O+, तो दिस इज लाइक स्टेप वन, दिस इज लाइक स्टेप टू, ठीक है। क्या होएगा, यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पे ये जो लगे हुए थे पहले से वो, एंड एक CH3 जुड़ गया। नाउ इफ वी हैव अ कीटोन वी विल गेट अ 3 डिग्री अल्कोहल, इफ वी हैव एन एल्डिहाइड वी विल गेट अ 2 डिग्री अल्कोहल। इज इट फाइन, ये सबको क्लियर है जितने भी लोग यहाँ बैठे? बहुत आसान रिएक्शन है ये, समझ में आ रहा है ना क्या हुआ? ठीक है, चलो बहुत अच्छे। तो दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन। अभी हम लोग जरा सा बात करते हैं कि कौन कौन रिड्यूसिंग एजेंट हो सकते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट तो बहुत सारे, रिड्यूसिंग एजेंट लिटरली बहुत सारे। जैसे हमने एक की बात किया LAH, LAH इज व्हाट, LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। This is a good strong reducing agent. इसको अपन strong reducing की category में गिनते हैं। और इसी का एक बड़ा ही close मित्र है NaBH4, ठीक है। तो NaBH4 lithium aluminium hydride से थोड़ा weak है, ठीक है, दोनों एक ही family के है ना, boron aluminium एक ही family के। अब इसको आप सोडियम बोरोन हाइड्राइड बोल सकते हो, अगर मैं रिएक्टिविटी की जस्ट बात करूं, ये दोनों के बारे में अगर अपन एक जेनरिक बात करना चाहते हैं ना, तो LiAlH4 इज मोर रिएक्टिव। रिएक्टिविटी की अगर मैं बात करूं, LiAlH4 इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर्ड टू NaBH4, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल बनता है ना? बिल्कुल बनता है सिद्धांत। अगर मेरे पास है फॉर्मल्डिहाइड, अभी एक दो दो तीन एग्जांपल ही कर लेते हैं ना, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। शुरुआत करते हैं HCHO, इसमें आपने LH डाला, बताइए क्या बनेगा? दिस इज क्वेश्चन वन। क्वेश्चन टू आपको पता है, आंसर लिखते हैं 1 का ये 2 का ये 3 का ये, ऐसे लिखना। प्लीज ट्राई टू गिव मी द IUPAC नेम, ठीक है ना, इजी रहेगा मेरे लिए समझना। बताइए कि जरा सिंपल सिंपल दिया है मैंने, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन। व्हाट वाज लेवल ऑफ टुडेज DAT? इजी था यार आज का, तो मैंने जितना देखा है, कुछ मिस्टेक होगा तो मेरे को पता नहीं, मैंने बड़े जल्दी में देखा था, बट काफी इजी क्वेश्चन है ना, ठीक, परफेक्ट।
कंपैरेटिवली शायद वो अल्काइल हैलाइड का आखिरी वाला ज्यादा वो था, ज्यादा बेटर था। नहीं, क्रिश का कहना है कैन यू स्क्रोल डाउन, क्रिश ये इससे नीचे और कुछ नहीं लिखा। अभी सबका आंसर आ गया। कोमल बोल रही अब चलेगा इतना। ठीक है, काफी सिंपल है क्वेश्चंस। चलो तो आंसर बहुत ही सिंपल है, HCOH भी चाहिए सिद्धार्थ को। लाता हूँ 2 मिनट होल्ड तो सिंपल सा यार, ये बात सबको समझ में आ रही है ना, क्योंकि क्या है ना यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं लेकिन क्या है सब बात नहीं कर पाते। ठीक है, किसी को बोलना है तो भी आपको बस बताना होगा, हैंड रेस करना होगा, यू विल बी अलाउड टू टॉक। अजिंक्य पवार का हाथ ऑलरेडी ऊपर है, आर्यन का। ठीक है, और डाके कुछ बोलना चाहता है। ठीक है, क्या आएगा फर्स्ट का आंसर? फर्स्ट का आंसर है मीथेनॉल, CH3OH। सेकंड का आंसर है इथेनॉल, CH3CH2OH। थर्ड का आंसर है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, क्लियर। आप इसको 2-प्रोपेनॉल भी बोल सकते हो। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट में अगर हम और सोचना चाहे तो और कौन से रिड्यूसिंग एजेंट आपको इन जनरल देखने मिलेंगे? आपको रिड्यूसिंग एजेंट्स में देखने मिलेगा H2PD, H2Nickel, है ना। इनके बारे में हमने ऐसे भी इसमें बात तो किया ही है, अल्काइन्स वगैरह के बाद अल्कीन अल्काइन, है ना, सेबेटियर सैंडरसन वाले। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। CH3MgBr यूज करूँ? होल्ड करो, अजिंक्य यूज करता हूँ। इसको छोड़ के H2Nickel, H2PD, H2 ये PT है ना, इसको छोड़ के आपके पास NaBH4 है, LaH है। ठीक है, B2H6 भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ THF रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है, ना इसमें ना थोड़ा बहुत कुछ कुछ लोगों का बिहेवियर अलग है। ठीक है, तो एक एक छोटा सा एग्जांपल और लेना चाहूंगा। ठीक है, जरा ध्यान से सुनना। अगर मेरे पास एक एग्जांपल सिंपल सा ले रहा हूं, अगर मेरे पास है CH3COOH, इसमें अगर मैं LAH डालता हूं, क्या होएगा प्रोडक्ट? प्लीज जल्दी से जवाब दीजिएगा सब लोग। CH3COOH में LAH डालेंगे तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट? क्लियर है क्या सबको? क्लियर है ये? COOH रिड्यूस होगा, LAH कहाँ पे लाएगा? अल्कोहल में लाके छोड़ेगा। नंबर ऑफ कार्बन कम हो नहीं सकते, कितना अल्कोहल मिलेगा? CH3, ये कार्बन भी इंटैक्ट रहेगा, CH2OH इथेनॉल। लेकिन CH3COOH में अगर मैं NaBH4 डालूंगा तो नो रिएक्शन, समझा? क्यों? वीक है, थोड़ा वीक है, NaBH4 वीक है। ठीक है, तो NaBH4 जो है COOH के साथ रिएक्ट नहीं करता। एक सबसे पहला पॉइंट आज डालते हैं, फिर यहाँ पे NaBH4 डज नॉट रिड्यूस ठीक है, इसमें आप ये भी डाल सकते हो RCOOR है। ठीक है, रिड्यूस नहीं करेगा उसको, कुछ नहीं करेगा। ठीक है,
वन डिग्री कार्बन से रिएक्ट नहीं करता, इसका एग्जाम्पल था ना। नहीं ऋतुजा, मैं समझा नहीं, क्या बोला आपने? NaBH4 शुड फॉर्म एल्डिहाइड। NaBH4 नहीं रिएक्ट नहीं करेगा, एल्डिहाइड नहीं फॉर्म करेगा, ठीक है? ऋतुजा बोल रही है फोर्थ में वन डिग्री कार्बन से रिएक्ट नहीं करता इसका एक। हाँ मतलब वन डिग्री अल्कोहल तक जाएगा, रिएक्शन आगे नहीं जाएगा। सोडियम SbG डजंट रिएक्ट विद वन डिग्री आर। मैं तुम्हारी बात नहीं समझा, वन डिग्री आर का मतलब क्या हुआ? आई थिंक आई कैन अलाउ यू टू टॉक, अगर तुम बोल के बोलोगे जल्दी बचेगा, टाइम बचेगा, मैं भी जल्दी समझ पाऊंगा। हैंड रेस कर दो। प्राइमरी अल्काइल ग्रुप में अच्छा, अल्काइल हलाइड वाली बात एग्जाम्पल बोल रहे हो। यस 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 हाँ, अब समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। यस, अल्काइल हलाइड में 1 डिग्री 2 डिग्री अल्काइल हलाइड के साथ LH रिएक्ट करता है, NaBH4 2 डिग्री 3 डिग्री अल्काइल हलाइड के साथ रिएक्ट करता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, परफेक्ट। यस सॉरी, मैं यहाँ पे एल्डिहाइड मेरे दिमाग में चल रहा था, मैं अल्काइल हलाइड दिमाग से निकल गया था, ठीक है। चलो एक एक जेनरिक आइडिया अगर दे तो, है ना, एक सिंप्लिसिटी के लिए मैं आपको अगर लिखवाना चाहूँ कि अगर मेरे पास है CHO, रिड्यूस होके क्या मिलेगा? CH2OH। अगर मेरे पास है CO, रिड्यूस होके क्या मिलेगा? CHOH। ये कलर पिंक कलर में लिखो चलेगा ना, किसी को दिक्कत नहीं है ना? एल्डिहाइड का भी सेम होगा ना? नहीं ऋतुजा, ऐसा नहीं कह सकते आप। एल्डिहाइड में देर इज नो 1 डिग्री 2 डिग्री एल्डिहाइड, राइट? आप वो कंपैरिजन नहीं कर रहे हो। पिंक मस्त है, चलो ठीक है। बाय द वे तुमको पता है क्या, थोड़ा सा जस्ट ऐसा डाइग्रेस कर रहा हूँ टॉपिक से, लेकिन पिंक यूज्ड टू बी कलर ऑफ बॉयज, ठीक है? ये तो रिसेंट मार्केटिंग वालों ने पिंक को गर्ल का कलर बनाया है। आप में से कोई स्काउट एंड गाइड सुना है क्या किसी ने? नहीं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ आर्यन, मजाक नहीं कर रहा हूँ। आई एम अ पर्सन हु डज नॉट स्पीक एनीथिंग विदाउट रिसर्च। ऐसा प्री पॉइंट में क्यों मैं खाल फालतू की कहानी देगा? है पिंक यूज टू बी कलर ऑफ बॉयज, ठीक है? दिस इज 1910-20 के आसपास की बात है लड़के। परेड वाला स्काउट एंड गाइड, स्काउट एंड गाइड अगर देखा होगा ना, तो स्काउट के गले में जो स्कार्फ होता है वो पिंक होता है, और गाइड के गले में जो स्कार्फ होता है वो ब्लू होता है। याद आ रहा है क्या? NCC जैसा ही होता है, ऋषिकेश का रेड था। अच्छा ठीक है। यस सही बोला सिद्धार्थ, ब्लू वॉज। अभी वो कलर कलर से आप थोड़ी कोई जेंडर को वो करोगे, है? अच्छा एक सेकेंड, है मैं जरा ये वाला एग्जाम्पल वो करना चाहूंगा। इसमें हमको दो चीज मिलेगा, यहाँ पे हमको CH2OH मिलेगा और हमको ROH भी मिलेगा, ठीक है? अगर मेरे पास एस्टर है, ठीक है ना, मंदार कह रहा है उनका रेड था वॉश करके पिंक हो गया। चलो अगर मेरे पास है कार्बोनिल क्लोराइड, इसका मैं रिडक्शन कर रहा हूँ, तो अगेन सेम चीज आपको मिलेगा CH2OH, ठीक है? साथ में जनरली HCl मिल जाता है, ठीक है? वॉचमैन वाले कपड़े पहन के जाते थे, ठीक है? अगर मेरे पास मैंने कैसा, मैंने लगता है बहुत बुरी मेमोरीज को वो कर दिया, लगता है मैंने स्टर कर दिया।
चलो मैं बस मतलब आई वॉज जस्ट ब्रेकिंग द जेंडर स्टीरियोटाइप, दैट्स इट. मतलब और कुछ नहीं था मेरा एम. अगर आपके पास एनहाइड्राइड होगा है ना, तो आपको अल्कोहल मिलेगा, टू मॉलिक्यूल्स. ठीक है. अगर आपके पास इपॉक्साइड होगा तो आपको क्या मिलेगा? अल्कोहल मिलेगा. ठीक है, इसको इपॉक्साइड वाले केस को अपन और देखेंगे है ना. अगर और कोई एग्जाम्पल लेना चाहो तो डायोन अगर आपके पास हो, ठीक है, जनरली इनको लैक्टोन्स कहा जाता है. क्या मिलेगा इसमें? इसमें आपको डायऑल मिलेगा. ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट का बिहेवियर काफी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है. सबको सारे दिख रहे हैं? सेकेंड लास्ट वाला कैसे आया? अल्कोहल है, एच माइनस ने अटैक किया, ऐसा सोचो. एस्टर वाला बताओ, हेत का कहना है. एस्टर वाला स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, थोड़ा ऐसे सोचो. एस्टर कैसे बना था? सी ओ ओ एच एंड आर ओ एच, इन दोनों में से मैंने वाटर मॉलिक्यूल हटाया तब मुझे ये मिला था. तो टेक्निकली आई एम जस्ट रिड्यूसिंग द कार्बोक्सिलिक पार्ट. आर ओ एच तो जैसे उसको एच प्लस मिल गया. क्लियर है? हाँ, आप कह सकते हो सोहम, अगर रिडक्शन हो रहा है तो इट इज अटैक ऑफ एच माइनस. ठीक है, अब यहाँ पे एक्सेप्शन मैंने आपको बता दिया. ठीक है, ठीक है. और एक है आर सी ओ सी एल, इसको है ना, वो जो बी टू एच सिक्स मैंने एक लिखवाया था ना, बी टू एच सिक्स, इसको रिड्यूस नहीं कर सकता. ठीक है, वट इज यूज कॉमनली देयर? एल एच. एल एच सबसे कॉमन. एच टू मतलब एच टू पी टी, एच टू निकल, ये और एल एच सबसे ज्यादा यूज होने वाले यही है. ठीक है ना, कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं फिर कुछ और एक्सेप्शन भी देखते हैं. ठीक है, फिनॉल ईथर कब चालू होगा? सिद्धार्थ का कहना है. अरे रुक जाना भाई, जल्दी है. ऋतुजा का डाउट मैंने देखा कि ओसीएल टर्मिनल रहा तो अनेबल टू गेट द साइड प्रोडक्ट. ओसीएल टर्मिनल, सीओसीएल की बात कर रही हो क्या? सीओसीएल जब है तो तुम ये सोचो ना, सीओ सी एल इज काइंड ऑफ, अब इसमें अगर एच माइनस अटैक करेगा, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये वाला केस एक बार डिस्कस कर रहा हूं. एच माइनस अगर अटैक करेगा, फर्स्ट स्टेप वुड बी व्हाट? यू विल गेट एल्डिहाइड एंड सी एल माइनस. ओ सी एल कंबाइन, सिर्फ OCl ग्रुप. मैंने OCl ग्रुप का तो एग्जाम्पल नहीं लिया ना यार. OCl ग्रुप को डील करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि OCl ग्रुप अगर आप बोल रहे हो, ठीक है, जस्ट बिकॉज यू आर थिंकिंग ऋतुजा, OCl इज हाइपो हाइपोक्लोराइड. ठीक है, हाइपोक्लोराइड. मंदार का कहना है लैग नहीं हो रहा, वीडियो ऑन कर दूं? मैं तो कर दूंगा, फिर लैग होगा तो फिर बता देना.
मैं बोल रहा था OCl इज हाइपोक्लोराइट, उसमें Cl+1 में होता है, ठीक है ऋतुजा? तो केस अलग है, इट्स केस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर में अपन सुना है ना, ब्लीचिंग वाली केस है वो अलग, उसको मैं बाद में आराम से डील करेगा, ठीक है बात करेंगे उसका भी। ठीक है थोड़ा आगे बढ़ते है ना। यश का कहना है एनहाइड्राइड के लिए बताओ। यश एनहाइड्राइड भी तुम थोड़ा ऐसा सोचो, ऐसा कुछ खास नहीं है। एनहाइड्राइड में क्या होएगा, एनहाइड्राइड इज बेसिकली मेड अप ऑफ टू COOH, दोनों रिड्यूस होएंगे, दैट्स व्हाई यू गॉट टू मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस थिंग। हाँ क्लियर। OCl इज अ फंक्शनल ग्रुप कह सकते हो, यस सर तुझे। चलो आगे बढ़ते हैं, इनको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, नहीं तो आखिरी में जब PDF बनाऊंगा ना तो ये बहुत अलग से दिखेगा आइटम टाइप। जस्ट सेकेंड ना, सॉरी ये मैं अभी नहीं करूंगा ना, फिर आई माइट फॉरगेट और फिर वो इधर नीचे कर देता हूँ, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स करते हैं, अब सबने लिख लिया ना, चल कुछ एग्जांपल करते हैं, फिर थोड़ा सा और मैं आपको ये बताता हूँ, थोड़े कुछ एक्सेप्शंस है ना इसमें भी, करते हैं उनके बारे में बात, ठीक है। ठीक है चलो, पहला एग्जांपल क्या मिलेगा, ला 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 सेकेंड जब जब भी आपको है ना हाइड्रोजन का ध्यान दे, वांट अ मैन बहुत इंपॉर्टेंट है जी। आया क्या हाँ एक मिनट ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। तो पे देख रहे हैं कुछ है ना, मैं वीडियो ऑफ कर देता हूँ यार अननेसेसरली, मैं ऐसा आवाज तो आ ही रही है, मैं भी कॉन्स्टेंटली बात कर ही रहा हूँ तो ऐसा टेंशन मत लो है ना। लैग नहीं, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, मेरा बंद हो गया था, मेरा पूरा जूम वापस से रिस्टार्ट हुआ, मुझे ऐसा समझा नहीं ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज मैं तो कनेक्टेड था, बट दिस वॉज समथिंग एल्स, दिस वॉज डेफिनेटली नॉट नेट। चलो एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है ध्यान से देखना।
इसमें हमने डाला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड D2O, ठीक है। VPN करके देखो, शायद वाईफाई स्पीड में चले, नहीं आ रही। VPN में स्पीड और कम होता है, प्रॉक्सी जंप होता है ना, इट वोंट वर्क। अजिंक्य सेकंड में नो रिएक्शन? नहीं नहीं नहीं, रिएक्शन होएगा, ऐसा नहीं है, सेकंड में रिएक्शन होगा, ठीक है। कीटोन ही तो है, अच्छा वो नहीं, मेरे को लग रहा है वाईफाई में कुछ और इशू हो गया है, मेरे को बैठ के उसका साइन आउट वगैरह, साइन आउट हो गया है कुछ तो ऐसा, रीसेट भी किया मैंने, ऑफ किया, रीसेट भी किया, नहीं हो रहा। अच्छा सॉल्व करेंगे तब तो तेरा पॉइंट रखेगा, ठीक है। सेकंड में एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, ठीक है बिल्कुल अग्रीड, मेरा एंड्रॉइड है यंग, यस। चलो एक एक करके आंसर देखते हैं। पहले में क्या होगा, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन है, LiLH4 का अटैक होगा, है ना। इसमें अभी मैंने H3O+ लिखा नहीं, बट अपन अज्यूम कर लेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है। सेकेंड में क्या होगा, LiAl D4, डी माइनस अटैक करेगा, डी माइनस अटैक करेगा सी डबल बॉन्ड ओ पे, तो आपके पास सी पे क्या आएगा, सी के ऊपर ओ माइनस हो गया, और इसके ऊपर डी ने अटैक किया, यहाँ पे CH3 है और H3O+ था साथ में, तो हमको क्या मिल गया यहाँ पे, OH। समझा क्या, सेकेंड वाले में आपको अल्कोहल मिला, ठीक। ऑक्सीजन का बॉन्ड रेजोनेंस में है, बिल्कुल है ना जिंक, अनडाउटेडली, ठीक है। थर्ड वाले केस में क्या होगा, थर्ड वाले केस स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यहां पे हाइड्रोजन ने अटैक किया, डबल बॉन्ड ओ ओपन हुआ, डबल बॉन्ड ओ ओपन होने के बाद यहां पे ओ डी बनेगा, ओ माइनस जो सॉल्वेंट है दैट इज D2O। ये सबको चमक रहा है क्या, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं सबको चमक रहा है ना भाई, मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने बोला नीट वालों को नहीं आएगा, इसका मतलब ये नहीं कि नीट वाले पहले कान नाक आग बंद कर दिए, दही ऐसा नहीं है, आ भी सकता है, आया नहीं है, मैं बस इतना बोल रहा हूँ। अभी तक किसी ने इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया, लेकिन बहुत ईजी है ना, सिंपल सी बात है, अगर हमको पता है क्या होने वाला, मतलब पता है कि मैकेनिज्म क्या है, तो इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग। चलो एक और ले लेते, एक और एग्जांपल। अगर मेरे पास दो डबल बॉन्ड 1.3 में प्रोटिक सॉल्वेंट है, इट वुड एंगेज LAH इन डी बॉन्डिंग, हाँ, तो फर्स्ट और मतलब वो जो प्रोटिक सॉल्वेंट है ना, उसको मैंने सेकंड क्यों लिखा है, सेकंड इसलिए लिखा है क्योंकि वो बाद में अटैक करेगा, है ना, वो सेकंड स्टेप में आएगा, फर्स्ट स्टेप में डाल देंगे तो LAH सीधा सीधा पानी से अटैक कर देगा, ठीक है ऋतुजा, इसलिए अपन वो नहीं करेंगे। हेत का कहना है राइट वन विल रिड्यूस, ठीक है मैं दो स्टेप में करवाना चाहता था, ठीक है, तो प्लीज बेयर विथ मी। ठीक है, वन मॉलिक्यूल ईच ऐसा लेके चलो, वन मॉलिक्यूल ईच है ना, NaBH4 का एक मॉलिक्यूल डाला, LiAl D4 का एक मॉलिक्यूल डाला, H3O+ का एक मॉलिक्यूल डाला, ठीक है। डिड यू गेट माय क्वेश्चन, परफेक्ट। अभी क्या है, इसके बारे में मैं और डिस्कशन करूंगा जब हम लोग एल्डिहाइड कीटोन्स ये चैप्टर पढ़ेंगे,
ठीक है, लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन में अगर हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू कीटोन, ठीक है। तो उसके चलते पहले एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा, सेकंड स्टेप में कीटोन रिएक्ट करेगा। दैट्स द रीजन आपको आंसर देने में थोड़ा ध्यान रखना है। फिर एक काम करो, आप फोन आपके पीसी को यूएसबी कनेक्ट करो तो आपको नोट। अच्छा समझ गया, ओम 2 मिनट दे, वो भी ट्राई कर ले, तो ब्रेक के बाद ट्राई करते उसको, ठीक है। नहीं राइट, अब तो दोनों रिड्यूस होगा ना, ऐसा तो नहीं है, पहले कौन रिड्यूस होगा, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट स्टेप कौन रिड्यूस होगा, तो फर्स्ट स्टेप ये आपका एल्डिहाइड है, ये आपका कीटोन है। फर्स्ट स्टेप कौन रिड्यूस होगा, पहले एल्डिहाइड रिड्यूस होगा, तो आपका जो एल्डिहाइड है वो रिड्यूस होने के चलते आपको इस पोजिशन पे मिलेगा ओ एच एंड एच, एंड बाद में कीटोन रिड्यूस हुआ इसलिए इस पोजीशन पे आपको मिलेगा ओ एच एंड डी। समझ में आया क्या? दैट्स इट स्टेप वन, क्योंकि सबके वन वन मोल डाला है ना, दैट्स द रीजन पहले एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा बाद में कीटोन रिएक्ट करेगा। सिंपल है, आसान है ना, किसी को बहुत कॉम्प्लेक्स तो नहीं लग रहा ना ये चीज। अभी टेक्निकली स्पीकिंग, ठीक है, मैं पहले अगर LiAl(D4) डालता तो क्या, ठीक है, थोड़ा एक लेवल, बस एक ही लेवल ऊपर ले जा रहा हूं, ठीक है। मंदार, ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ LiAl(D4) इज देयर, यस इज ओनली वन मॉलिक्यूल। अगर मैं पहले LiAl(D4) डालता तो वो दोनों को रिड्यूस कर देता, ठीक है। NaBH4 कंपैरेटिवली सिंपल है। अगर मैं LiAl(D4) को फर्स्ट स्टेप में डालता, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ठीक है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एडवांस। अगर ये आता तो क्या होता, NaBH4 होता नहीं होता, एक ही बात होती, why, because one molecule, हाँ एक ही मोल है, अभी भी वन मोल ही है, अभी भी वन मोल ही है, लेकिन प्रॉब्लम अलग है। प्रॉब्लम ये है आपके पास LiAlH4 जो है ना, now this is again specifically for JE Advanced, आप लिख रहा हूं मैं, ये कोई किसी और को नहीं आएगा, इवन मेंस में ऐसा कभी पूछा नहीं गया, एडवांस में भी एग्जैक्ट ऐसे बात नहीं की गई है। स्टिल LiAl(D4) में 4D- है, ठीक है, 4D- है, तो सारे के सारे D- जब तक रिएक्ट नहीं करेंगे तब तक ये रिएक्शन आगे कहा, मतलब रिएक्शन रुकेगा नहीं, हेंस द प्रोडक्ट विल बी D OH, यहाँ पे H था ही, यहाँ पे OH। समझा क्या क्यों दोनों पोजीशन पे D लगा? सबको क्लियर है ये बात? ऑल्दो मैंने सिर्फ एक मोल ही डाला था, हाँ, तो फोर्थ में NaBH4 के सारे हाइड्रोजन खत्म होने से पहले LiDL4 क्यों रिएक्ट किया? क्योंकि NaBH4 के सारे हाइड्रोजन रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, कंपैरेटिवली उसकी रिएक्टिविटी कम है। NaBH4 का एक H- चला गया, उसके बाद उसकी रिएक्शन काइंड ऑफ रुक जाएगी, बट दैट वॉन्ट हैपन इन केस ऑफ LiAl(D4) बिकॉज इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अगर समझ में आए बहुत अच्छी बात है, नहीं समझा तो कोई बात नहीं, अब इसको MS चौहान में देखेंगे। This is only for advance, ठीक है, ज्यादा टेंशन मत लेना।
फोर्थ में एल्डिहाइड रिएक्टेड फर्स्ट कॉज एल्केटोन डजंट रिएक्ट विद एनएबीएच फोर. नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है ऋतुजा, कीटोन ऑल्सो रिएक्ट विद एनएबीएच फोर. आई डोंट वॉन्ट टू कंफ्यूज यू, कीटोन एल्डिहाइड बोथ रिएक्ट विद एनएबीएच फोर, लेकिन NaBH4 का एक मोल है तो वो एक ही H माइनस देगा. ठीक है, NaBH4 का अगर एक मोल है तो वो एक ही H माइनस देगा, लेकिन LiAlD4 का अगर एक मोल है तो वो चार H माइनस देगा. ऋतुजा का सवाल है व्हाई नॉट कीटोन फर्स्ट, बिकॉज एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए एल्डिहाइड फर्स्ट. साहिल बिल्कुल सही, आप कह सकते हो कि इन सेकेंड देयर इज नो यूज ऑफ NaBH4, दैट्स व्हाई मैंने उसको क्रॉस कर दिया. ठीक है, ये समझ में आया, कीटोन और एल्डिहाइड अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो पहले कौन रिएक्ट करेगा, पहले रिएक्ट करेगा एल्डिहाइड. ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये एग्जांपल, थोड़ा ध्यान से रखना. ठीक है, तो पहले कौन रिएक्ट करेगा, एल्डिहाइड, बाद में रिएक्ट करेगा कीटोन. देखिए इसके बारे में एल्डिहाइड कीटोन में मैं वापस बात करूंगा, ठीक है, डरो मत, है ना, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है. और एल आई एल डी फोर रिएक्ट करता है तो चार बार रिएक्ट कर जाता है. ठीक है, एक मॉलिक्यूल चार को लेके डूब सकता है. व्हाट इज द फोर्थ क्वेश्चन, दोनों कीटोन हुए तो प्रोडक्ट इन 50% बनेंगे. नहीं 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 दोनों कीटोन हुए तो कोई बात ही नहीं है ना, प्रॉब्लम ही नहीं, सो हम दोनों रिड्यूस हो जाएंगे. फोर्थ में अगर दोनों कीटोन है तो दोनों इक्वल ही है फिर, है ना. If we put excess H3O plus, then protonation also occurs. Yes, yes. H3O plus excess ही लेते, ठीक है. Yes, H3O plus ऐसे because it's a solution form में, solvent के form में आता है ना. तो जहाँ जहाँ O minus बना सबको H plus मिल जाएगा. ठीक, यहाँ तक सबको clear है क्या? If both ketone, we get both with H and D. Yes, उसमें फिर आप कोई priority नहीं decide कर सकते. तो हम का कहना है आईयूपीएसी नेम सेम होगा. अब तो देख ले यार, आईयूपीएसी नेम पे मत लेके जा यार मेरे को, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट. आगे बढ़े. चलो एक 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 और इंटरेस्टिंग चीज पे ले जाना चाहता हूँ. ठीक है, LiLH4 एंड NaBH4, यहां तक सबको क्लियर है ना, ये सारे एग्जांपल समझ में आना, सिंपल एग्जांपल से आखिरी थोड़ा सा मैंने एक लेवल अप दिया है, बट अपन और बात करेंगे इस पे. ठीक है, डोंट वरी. एक है ना बड़ा इंटरेस्टिंग केस है. ठीक है, अब इसको केस वाइज ही लेते हैं. ठीक है, इसको मैं ऐसा कैसे हेडिंग दूं, मैं सोच रहा हूं. इसको आप ऐसे सोचो, एल आई एल एच फोर वर्सेस NaBH4. ठीक है, नॉट एग्जैक्टली वर्सेस, आई एम नॉट एक्चुअली कंपेयरिंग स्ट्रेंथ. ठीक है, मतलब इट्स मोर ऑफ एन एक्सेप्शनल केस. ठीक है, अब इसको लेके बहुत सारे पंगे हुए हैं. दिस इज स्पेसिफिकली फॉर JEE. ठीक है, मीन्स एडवांस दोनों. नीट में ये क्वेश्चन नहीं आया एंड आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग इसको लेके नीट में हाथ भी नहीं लगाएंगे. ठीक है, सीईटी में भी नहीं पूछेंगे. Presence of d orbital in aluminium. Ajinkya. देख technically सच बताऊ तुझे, hydrides of boron, hydrides of aluminium, मतलब even B2H6 is a reducing agent, ऐसा नहीं है. But हाइड्राइड्स ऑफ एल्यूमिनियम आप कह सकते हो कंपैरेटिवली ज्यादा रिएक्टिव है, बिकॉज एल्यूमिनियम में ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक है. अब वो मैं डी ऑर्बिटल से वो नहीं कर पा रहा हूँ एल्यूमिनियम का. मैं मतलब यही कहूंगा कि एज यू मूव फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक बढ़ जाती है, तो एच माइनस देने की टेंडेंसी बढ़ जाती है. Does that satisfy you? Ajinkya, मतलब I won't say कि like this is absolutely, मतलब यही हो रहा है, मतलब electronic configuration level पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ठीक है, metallic characteristics के चलते H minus aluminium से ज्यादा आसानी से निकल जा रहा है. ठीक है,
ठीक है, एक डिस्कशन करना है अपने को Li AlH4 और NaBH4 में, ठीक है। बहुत बहुत स्पेसिफिक केस है। दिस इज अ केस व्हेन C डबल बॉन्ड O इज इन कॉन्जुगेशन विथ अ विथ एन अल्कीन विथ अ डबल बॉन्ड, ठीक है। अगर मेरे पास CH3, सब लोग प्लीज ध्यान से देखना, ये एग्जांपल बहुत स्पेसिफिक एग्जांपल है, इसलिए बहुत ध्यान से देखना। आपको ये समझ में आ रहा है अल्फा पोजीशन पे, मतलब यहाँ पे कॉन्जुगेशन में है जो डबल बॉन्ड और सी डबल बॉन्ड हो कॉन्जुगेशन में, ये क्लियर है, ये सबको दिख रहा है ना, डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड हो कॉन्जुगेशन में। इसमें अगर मैं एल ए एच डालूंगा, मेरा प्रोडक्ट क्या रहेगा, मेरा प्रोडक्ट रहेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2OH। लेकिन अगर इसमें मैं NaBH4 डालूंगा तो मेरा प्रोडक्ट क्या रहेगा, मेरा प्रोडक्ट रहेगा CH3CH2CH2CH2OH। अब इसको लेके थोड़ा है, ठीक है, दिस इज इसलिए मैं जेई के लिए लिखवाया हूं क्योंकि हिमांशु पांडे जब आप सॉल्व करोगे, हिमांशु पांडे में एक जगह इसका आंसर दिया है NaBH4 भी ये देगा, ठीक है, लेकिन दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि एब्सोल्यूटली ट्रू नहीं है, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट मिलता है समवेयर अराउंड 44% के आसपास ये प्रोडक्ट मिलता है, 56% के आसपास ये प्रोडक्ट मिलता है। समझा क्या? तो ये है थोड़ा मारा पीटी वाला डिस्कशन रहेगा, ठीक है, मल्टीपल जगह आपको ये मल्टीपल चीजें देखने मिलेगी, लेकिन आई वुड वॉन्ट यू टू रिमेम्बर दिस अनटिल एंड अनलेस कुछ और बात हुई। अब आपका, हाँ, यश का सवाल है, लेकिन NaBH4 तो वीक है। सही बात है, NaBH4 वीक है, इन स्पाइट ऑफ दैट NaBH4 कैन रिड्यूस डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विथ C डबल बॉन्ड O। ठीक है, मैं एक आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक ये स्टार्ट करने वाला हूँ, मेरे चैनल पे स्टार्ट करूंगा, लेकिन यूट्यूब पे, दैट इज PYQ सीरीज, ठीक है, एंड दैट विल बी फॉर ऑल। उसमें अपन एक क्वेश्चन ऐसा आपको देखने मिलेगा, है ना, जेई का PYQ सीरीज अलग रहेगा, नीट का PYQ सीरीज अलग रहेगा, ठीक है, तो बट उसमें एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा एंड जेई के इसमें आया हुआ है, एंड जो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में था सी डबल बॉन्ड ओ के साथ NaBH4 ने उसको रिड्यूस किया है, ठीक है। LH से क्यों नहीं हुआ बेचारा, वो भी तो स्ट्रांग है ना, उसका स्ट्रेंथ से एक्चुअली लेना देना नहीं है, बट मुझे इसका सोल्यूशन नहीं मिला, ठीक है, इसका सोल्यूशन इसलिए नहीं मिला मुझे क्योंकि इस पे थोड़े से मिक्स्ड वो है, रिव्यूज है, और मैं रिसर्च पेपर में ढूंढा तो मुझे सिर्फ परसेंटेज मिला, मुझे इसका क्या कहते हैं ये जो क्या कहते हैं मैकेनिज्म नहीं मिला, तो इसलिए मैं इस पे कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन LH जो है ऑल्दो इट इज स्ट्रांग, वो रिड्यूस नहीं कर पाता CH डबल बॉन्ड CH को, ठीक है। नक्षत्र पूरा कंफ्यूजन रहेगा, इसलिए तो स्टार मार के ग्रीन कलर के पेन से लिखा है दोस्त, NaBH4 कैन रिड्यूस द डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद सी डबल बॉन्ड ओ। प्रणव, विथ चैनल, मेरा खुद का चैनल है क्रैक केमिस्ट्री, अभी क्या है ना थोड़ा सा मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा हूँ, इसलिए मैं वो चैनल स्टार्ट नहीं कर रहा, बिकॉज मैं उधर विजुअल क्वालिटी वीडियो हाई क्वालिटी का रखना चाहता हूँ और मैं अपना कैमरा लेके घूम नहीं सकता। CH3 की जगह PH आया तो भी सेम होगा, सोहम क्यों तेरे दिमाग में ये सवाल क्यों आया, तूने कहा पढ़ा ये? कहीं पढ़ा क्या? अच्छा, और मस्त रेजोनेंस होगा,
क्यूमुलेटेड होता तो क्या होता, उस केस में अजिंक्य नहीं कुछ होता, क्यूमुलिन वाला केस। तो सोहम माली ने ये सवाल पूछा है, तो भाई तेरे लिए ऐसा नहीं है, तू नहीं पूछता तो भी मैं बताता। ये सारा का सारा एक्सेप्शंस में याद रखना है आपको, ठीक है ना, ये सब एक्सेप्शन मार मार के याद रखना। ठीक है, दुखी मत होना आंसर देख के, मेरे को पता है तुम्हारे दिमाग में चल रहा है अबे यार ये क्या हो गया। आई नो आई नो। ओनली इन केस ऑफ पीएच, ठीक है, ओनली इन केस ऑफ पीएच, जब पीएच होगा आपके पास आगे रेजोनेंस के साथ, तो एलएच उसको रिड्यूस कर देगा। समझा क्या? हेट सोहम ने क्या पूछा, उसने बस इतना पूछा था CH3 की जगह पीएच होता तो क्या होता, उसके दिमाग में था शायद पीएच होगा तो लंबा रेजोनेंस है तो फिर NaBH4 भी उसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा, लेकिन बॉल ने टर्न दूसरी साइड ले लिया और ये बोल्ड। साहिल का कहना है नीट वालों के लिए लेक्चर कब तक है? साहिल आखिरी तक है, ठीक है। ऋतुजा नहीं ऐसा तो नहीं हुआ है, मतलब आई डोंट रिमेम्बर एनी सच प्रिंटिंग मिस्टेक, बट मे बी देखते हैं, लेट्स सी, है ना। आज एडवांस का लेक्चर नहीं है कोमल, आज पूरा लेक्चर एक ही है, ठीक है। एडवांस का लेक्चर मैं नेक्स्ट वीक से लूंगा अलग करके। ये यहां तक क्लियर हुआ कि सबको? हाँ भाई, एवरीवन विथ मी। चलो कितने लोगों को थकान महसूस हो रही है, जरा हाथ रेज करना। हाँ भाई, थकान थकान जिसको लग गई हाथ उठाओ। कितना लोग थक गए, कितने लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हो वो हाथ उठा लो भाई। चलो हाथ, सब जल्दी से हाथ उठाओ जितनों को मेरी आवाज क्लियरली आ रही है। आवाज की दुनिया में आपका स्वागत है। हाथ रेस करने में भी थकान हो रही है, नहीं जल्दी से, नहीं, प्लेज पोजीशन पे नहीं जाना है, हैं? आज ही भाषण दिया, आज ही उड़ गया सब है। जल्दी से हाथ उठाओ भाई जितने लोगों को मेरी आवाज आ रही है। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे, हाथ उठाओ। कितने लोग ऐसे जिनको हाथ उठाना नहीं आता, जरा हाथ उठाओ। हैं, 193 में से 90 हाथ है, जल्दी से हाथ उठाओ भाई सब लोग। कहाँ नींद में हो, सो रहे हो, चाय पानी नाश्ता चल रहा है क्या भाई? क्या है आज नाश्ते में, ढोकला खा रहे हैं क्या, कोई फाफड़ा जलेबी, एनीवन? हैं, क्रैक केमिस्ट्री का लिंक कार्तिक दूंगा, क्रैक केमिस्ट्री का लिंक तुमको टेलीग्राम पे भेजूंगा जब मेरा सेशन होगा। मैगी खा रहा है कौन, मैगी खा रहा है? खाकरा कॉफी चकली मैगी चूड़ा। हैंड रेस करो भाई सब लोग। डैम इट मैन, 50% भाकरवड़ी चल रही है, चाय बिस्कुट चल रहा है। चलो थैंक यू सो मच, हैंड्स डाउन थैंक यू। क्या सिर्फ संडे के दिन फाफड़ा मिलता है क्या क्रिश पटेल? है बुरेली में आ जा कभी, अपने को तो पूरा भी खा अपन, ये फाफड़ा जलेबी एकदम गर्मा गर्म। कोमल संडे को ढोकला है, घाटकों पर ब्रिजवासी। अच्छा ये कौन है, हेनी केन वाला, आर्यन हेनी केन चल रहा है तेरा, वाह बेटा। मसाला सोडा पी रहा होगा, बोलता है हेनी केन। डाके प्लीज कंट्रोल योर कमेंट्स। चलो एक काम करते हैं, छोटा सा 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं एक एग्जाम्पल के बाद, ठीक है। एक एग्जाम्पल खत्म करता हूँ, फिर हम लोग 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद फिर अपन आगे का कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। 10 मिनट का ले लेंगे, ठीक है। अजिंक्य पवार, लेकिन एक एग्जाम्पल पहले, ठीक है, एक और एग्जाम्पल। अब ये एग्जाम्पल की तरह है, ठीक है। दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, दिस इज नॉट अ एक्सेप्शन, दिस इज एन एग्जाम्पल। CH3, CH डबल बॉन्ड CH
CHO, ठीक है, इसमें अगर मैं डालूंगा H2 निकल, क्या मिलेगा प्रोडक्ट? एग्जाम्पल टू, CH2CHO, इसमें मैं डालेगा NaBH4, क्या मिलेगा प्रोडक्ट? एग्जाम्पल थ्री, CH3CH CH2CHO, इसमें मैं डालेगा H2PT, क्या मिलेगा प्रोडक्ट? ठीक है, तीन केस है, तीनों केस में आपको प्रोडक्ट बताना है। H2 निकल H2 PT, बहुत ही प्यारे रिड्यूसिंग एजेंट, आपने इनके बारे में पढ़ा था एल्कीन से एल्केन बनाने वाली रिएक्शन के दौरान, याद आ रहा है सबको? याद आ रहा है ना, एल्कीन से एल्केन, बहुत ही आसान। कर सेवेटियर सैंडरसन, फर्स्ट एंड थर्ड में एल्कीन का एल्केन होगा, हाइड्रोकार्बन का पार्ट CHO का OH होगा। वेरी गुड सोहम मालिक। वी नीड टू नो द रीजन फॉर NaBH4। नो ऋतुजा, रीजन में मत पढ़ो, जस्ट उस एक्सेप्शन को याद रखो, ठीक है? तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, सब रिड्यूस हो जाएगा, ये भी रिड्यूस हो जाएगा, ये भी रिड्यूस हो जाएगा, योर प्रोडक्ट विल बी CH3CH2CH2CH2OH, 1-butanol। सही बात, किसको कोई डाउट, कोई शक? आगे बढ़े, नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट का प्रोडक्ट क्या होएगा, ध्यान से देखना, क्या ये डबल बॉन्ड CHO के साथ कंजुगेशन में है? नहीं है। CH डबल बॉन्ड CH CHO के साथ कंजुगेशन में नहीं है, दूर है वो, एक कार्बन छोड़ के है, तो क्या वो रिड्यूस होगा? नहीं होगा, इट विल रिमेन एज इट इज, इसीलिए ये एग्जांपल दिया था, ठीक है? ओनली C डबल बॉन्ड O विल गेट रिड्यूस्ड। नेक्स्ट, सिंपल है, सब रिड्यूस, पेंटेन 1-ol, समझा सबको? क्लियर? कैन यू एक्सप्लेन फर्स्ट वन अगेन आर्य? फर्स्ट वन में क्या है, H2 निकल है ना, H2 निकल को तो फर्क ही नहीं पड़ता, एक्सेप्शन तो NaBH4 और LAH के केस में था, LAH डबल बॉन्ड कंजुगेशन वाले को रिड्यूस नहीं कर पाता, H2 निकल में तो हमने कभी ऐसा सवाल किया ही नहीं, H2 निकल तो वो डबल बॉन्ड भी रिड्यूस करता ही है, ये हमने एल्कीन से एल्केन वाली कहानी में पढ़ा था, और CHO को भी रिड्यूस करता है, ये हमने आज पढ़ा, वो तो दोनों को रिड्यूस कर देगा, तो फर्स्ट वाले केस में CH डबल बॉन्ड CH भी रिड्यूस होगा और CHO भी रिड्यूस होगा, ठीक है? इवन कॉन्जुगेशन विल नॉट अफेक्ट H2PT, नहीं H2PT को कॉन्जुगेशन है नहीं है फर्क ही नहीं पड़ता, वो अलग से, मतलब वो, इसलिए मैंने एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 1 दोनों लिया, ठीक है? वो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है इसलिए रिड्यूस नहीं हो रहा, वो डबल बॉन्ड है और सामने H2 प्लैटिनम है इसलिए वो रिड्यूस हो रहा है, समझा ना? अनसेचुरेशन कहीं भी होगा तो H2PT, H2 निकल, H2PD ये रिड्यूस कर देगा, कॉन्जुगेशन में अगर है तो सिर्फ NaBH4 डबल बॉन्ड को, मतलब C डबल बॉन्ड O के साथ अगर डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है तो फिर उस डबल बॉन्ड को NaBH4 रिड्यूस करेगा, अगर वो कॉन्जुगेशन में नहीं है तो रिड्यूस नहीं करेगा, इसी ये चीज बताने के लिए मैंने एग्जाम्पल 2 लिया, ठीक है? श्रिया का कहना, हाउ डज कॉन्जुगेशन डिटरमाइन, कॉन्जुगेशन मतलब वही ना, देखो सी डबल बॉन्ड सी सी डबल बॉन्ड ओ, क्या बोलते हैं अपन ऐसा, कॉन्जुगेशन बोलते हैं ना, यस हेथ अ ब्रेक है, फर्स्ट में कॉन्जुगेशन मैटर नहीं करता क्योंकि H2 निकल स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, कॉन्जुगेशन हो नहीं हो, देखो तुम थर्ड एग्जाम्पल में देखो, कॉन्जुगेशन हो नहीं हो वो तो दोनों को इंडिविजुअली ट्रीट कर रहा है, अल्कीन और CHO को। श्रिया रीजन, नहीं रीजन कोई नहीं, इसके रीजन में नहीं पढ़ते अभी,
ठीक है, या रीजन है मुझे नहीं पता, ऐसा बोलूं तो ज्यादा ऑनेस्ट आंसर रहेगा। ठीक है ऋतुजा, फ्री रेडिकल एडिशन? नहीं ऐसा तो नहीं है। यहां तक क्लियर है ना? फ्री रेडिकल नहीं होगा। ठीक है चल अब एक काम करते हैं, वो सनलाइट और यूवी में होता है, ऐसे ही पकड़ा है, वो सनलाइट यूवी में होता है। राजदीप बोल रहे विदाउट ब्रेक, मेरे को तो ब्रेक दे दे भाई हैं। साहिल बोलता है 7:10 तक ब्रेक दीजिएगा। मैं 10 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ साहिल, तो 7:10 तक आ जा। ठीक है चलो।
अभी मेरा वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। प्रीति मैम कैन यू हियर मी? मैम मेरा होस्ट परमिशन चला गया है इसलिए मैं वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। लेक्चर 8 बजे तक है शायद। हाँ भाई एक्चुअली मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था ना, उसमें मेरा होस्ट परमिशन चला गया शायद। चलो कोई ना, मैंने अभी आई थिंक एक सेकेंड होल्ड करो। ना राउटर ठीक नहीं हुआ, मैंने यूएसबी पे कनेक्ट कर दिया। चलो कह दिया और मेरा होस्ट मेरा स्क्रीन डिसेबल हो गया। डी एम 1 मिनट होल्ड करो। हाँ मैं होस्ट बन गया। सो मैं ठीक है, मेरा आवाज कम आ रहा है अभी? अभी ठीक आ रहा है? अच्छा अभी आ रहा है आवाज सबको ढंग से? लैग हो रहा है क्या? नहीं ना। चलो मैंने यूएसबी से कनेक्ट किया है, लेट्स सी। चलो आगे बढ़ते हैं। जस्ट सेकेंड, एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर दूं। सब कुछ स्क्रीन दिख रहा है? हाँ है ना, पोनी बांध लो अच्छा लगेगा, उतने लंबे बाल नहीं हुए अभी तक। बहुत मेहनत है। चलो शुरू करते हैं आगे की कहानी। एग्जाम्पल करते हैं है ना, कुछ कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। नहीं वो गौरव सर पे बढ़िया लगता है, मेरे पे बढ़िया नहीं लगेगा। एक एक और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में मैं मुझे बताना था आप लोगों को। डिबाल एच, ठीक है, एक बहुत ही बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है एंड उसका नाम है डिवाल एच। स्क्रीन दिख रहा है ना सब लोगों को? आर्यन बोल रहा है स्ट्रेट करवा लो बाल। नहीं डूड, ऐसा नॉर्थ कोरिया से किसी किसी को लेके आया ऐसा लगेगा मैं। विच इच, रुको रुको बता रहा हूँ। डिबाल एच, ठीक है, एफ्रो अच्छा है ना, अजिंक सही है, बेस्ट है। मैं अपने बाल पे सिर्फ इतनी मेहनत करता हूँ कि मैं इसको हर अल्टरनेट दिन में धोता हूँ, ठीक है, उससे ज्यादा मैं कोई एफर्ट नहीं लगाता। हाँ ऑयल जो धोने के 2 घंटे पहले लगाता हूँ। चलो आईपीएल देखते हो? साहिल में नहीं देखता यार आईपीएल, वो बहुत टाइम वेस्ट होता है आईपीएल देखने में, इसलिए मैं नहीं देखता।
ठीक है, एक सेकेंड, अरे क्या हो गया, जस्ट सेकेंड ना, जस्ट सेकेंड, आवाज आ रहा है सब लोगों को ठीक से? कुछ इश्यू तो नहीं आ रहा ना? यहाँ पे क्यों तो मेरे पास कनेक्शन ठीक है, चलो चलो कुछ नहीं करते है। ठीक है, हाइड्रोफॉर्मेलेशन, यस थैंक यू सो मच ऋतुजा, यस उसको भी अपन करेंगे। ठीक है, पहले एक बार डिबाल एच एक डिस्कशन कर लेता हूँ। डिबाल एच आप ये कह सकते हो कि डिबाल एच के सिमिलर रिएक्शंस है ना, रिएक्शंस सिमिलर टू NaBH4, ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज है, इट्स अ सिंगल स्टेप, क्या कह सकते हैं, सिंगल स्टेप रिडक्शन करता है। ठीक है, सिंगल स्टेप रिडक्शन जो है ये आपको शायद अभी नहीं समझेगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में, जब स्टीफन्स रिएक्शन करके एक रिएक्शन आता है, H3O+ नहीं, H3O+ इज नीडेड। ठीक है, सिंगल स्टेप रिडक्शन का मतलब बस एक स्टेप रिड्यूस होगा एल्डिहाइड से अल्कोहल, कीटोन से अल्कोहल। ठीक है, ये है ना साइनाइड के साथ भी रिएक्ट करता है, C(NN) के साथ रिएक्ट करता है और CH(NH) बनाता है, तो वो अपन देखेंगे इसका। ठीक है, इसका फुल फॉर्म एक बार बता देता हूँ, ये है क्या कंपाउंड, डिबाल एच रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका नाम है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, दिस इज डिबाल एच। तो अभी आइसोब्यूटाइल ग्रुप अगर मैं बताऊं तो तुम ऐसा सोचो, दिस इज आइसोब्यूटाइल, अगर कनेक्शन यहां से तो ये जुड़ा हुआ है एल्यूमिनियम से, समझा के, ये दिख रहा है ना सबको, आइसोब्यूटाइल पुराना नाम है, कॉमन नेम है ना, हाँ ऑर्गेनो एल्यूमिनियम ऑर्गेनोमेटेलिक। इंटरेस्टिंग बात क्या है इसके, पता है इसके पास एक ही हाइड्रोजन है, हाँ? तो आप ऐसे सोचो, डाइमराइज्ड फॉर्म में भी रहता है ये, मोस्टली डाइमराइज्ड फॉर्म में ही रहता है। ठीक है, तो दिस इज डिबाल एच, वन हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई कैरी आउट सिंगल स्टेप रिडक्शन। ठीक है, याद रखना बस, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं खास, ऐसा NaBH4 के रिएक्शन करोगे तो डबल बॉन्ड वाली छोड़ दो, डबल बॉन्ड वाली नहीं, लेकिन नॉर्मल सारी NaBH4 जैसे रिएक्ट करता है, COOH के साथ रिएक्ट नहीं करता, COOR के साथ रिएक्ट नहीं करता, है ना, दैट्स इट। क्लियर है ये, यहां तक क्लियर है सब लोगों को? हाइड्राइड लिगेंड्स, हाइड्राइड लिगेंड्स कह सकते हो, कह सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे में अभी जो हमें डिस्कस करना है, एक हाइड्रोफॉर्मेलेशन वाली रिएक्शन अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोफॉर्मेलेशन कर लेंगे, उसके बाद अपन क्या करेंगे, ग्रिगनार्ड पे चलेंगे फिर। ठीक है, ग्रिगनार्ड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ग्रिगनार्ड के लिए मैं एक सेशन स्पेसिफिकली चाहता हूँ कि हम लोग MF चौहान बैठ के सॉल्व करें, लेकिन दैट विल बी फॉर एडवांस। ठीक है, MS चौहान सॉल्व करेंगे बढ़िया से बैठ के, क्योंकि है ग्रिगनार्ड थोड़ा, हाँ ठीक है।
क्या नाम से था, मैं क्या बोल रहा था उसको, मैंने कोई नंबरिंग आगे आज मैंने कोई नंबरिंग ही नहीं किया ना, हाँ जी रिडक्शन ही चल रही है कहानी, इसको मैं पीछे ले जाता हूँ ठीक है, ये एक्चुअली इसका पार्ट नहीं है बट इसमें नहीं रखूंगा तो फिर क्या करूँगा, चलो ठीक है इसमें लिख देता हूँ, तुम लोगों को शेयर करने के बाद फिर मैं शिफ्ट कर दूंगा इसको, हाइड्रोफॉर्मेशन रिएक्शन ठीक है, इसको ऑक्सो प्रोसेस भी बोलते हैं, एक्चुअली ये है ना एल्कीन्स, एल्कीन्स जो है ना एल्कीन्स वाले पार्ट का है ये, एल्कीन रिएक्ट करता है आई थिंक, इसको अपन वो डीआईएफ पार्ट अभी मैं देखता हूँ बाद में, भूल गया उसका सीक्वेंस, डीवेलेज की कोई रिएक्शन कोई खास नहीं है ऐसा, मतलब सेम NaBH4 जैसी अपन ठीक है ना, मैं बस बताना भूल गया एक और नाम, दैट्स इट, रिड्यूसिंग एजेंट बहुत सारे, डीवेलेज है एक ऐसा इंपॉर्टेंट है कि वो मतलब आता है, नाम आता है सबको आता है, नीट वाले छोड़ना मत, सीईटी नीट सब में आता ही है। हाइड्रोफॉर्मेशन रिएक्शन जो है ना या ऑक्सो प्रोसेस जो अपन बोलते हैं, इसमें आपके पास एल्कीन होता है, एल्कीन अटैक करता है इसके ऊपर कार्बन मोनोक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड पे, तो कार्बन मोनोक्साइड पे जब रिएक्शन होगा तो वो वाला अपन एक केस देखेंगे ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो रिएक्शन होगा वो भी एक केस होता है, लेकिन वो केस बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, फिर अपने को उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है ठीक है, तो अपन फोकस करेंगे पहले कार्बन मोनोक्साइड वाले केस को ठीक है, ऑक्सो प्रोसेस मतलब CO वाला केस, और CO2 वाले केस को बाद में अपन देखेंगे, बात करेंगे फिर कभी, लेट से आई हैव RCH डबल बॉन्ड CH2 ठीक है, इसमें आप इसको दो स्टेप में रिएक्शन करवाते हो ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज रिएक्शन विथ कार्बन मोनोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट टेट्राकार्बोनिल कॉम्प्लेक्स ठीक है, कोबाल्ट का टेट्राकार्बोनिल कॉम्प्लेक्स होता है ठीक है, कॉम्प्लेक्स है, इसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, कार्बन मोनोक्साइड सप्लाई कार्बन मोनोक्साइड का एक्चुअली वही से आता है, दिस इसमें हीट भी रहेगा ठीक है, एंड सेकेंड स्टेप होता है इसमें रिडक्शन, रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ H2PT H2 निकल H2 जैसा आप चाहो, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है ना, दिस इज कैसे कोई इसको अपग्रेडेशन ये वर्ड नहीं है ठीक है, दिस इज लाइक कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन इसमें इंक्रीज होंगे ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके पास जो प्रोडक्ट रहेगा दैट विल बी RCH2CH2CH2OH, आप देख रहे हो आपके पास कितने कार्बन, आर को छोड़ के दो कार्बन थे प्रोडक्ट में, आर को छोड़ के तीन कार्बन है, कौन सा कार्बन आया आपके पास, एक और कार्बन आया, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन मैंने इसके ऊपर स्टार मार्क लगाया ताकि आपको ये पता रहे वो स्टार मार्क वाला कार्बन कौन सा है, समझा क्या, इन केस अगर आप आइसोटोपिक कार्बन लो तो आपको आइडिया लग जाएगा ठीक है, असेंड ऑफ चेन, अरे अजिंक्य मेरे को वर्ड ही नहीं मिल रहा यार, वो मैं भूल गया वर्ड, डिग्रेडेशन मेरे को याद है जब हम लोग कार्बन रिड्यूस करते हैं, ऐड करने वाले के लिए अच्छा वर्ड था बट पता नहीं बहुत टाइम से दिमाग से निकल ही गया है, आई थिंक ये पहले भी मैंने बोला होगा शायद, चलो रिएक्शन का प्रोसेस देखते हैं क्या होगा, कार्बन मोनोक्साइड है, कार्बन मोनोक्साइड के ऊपर एक्सटेंशन ठीक है चलेगा, वैसे बोलते हैं एसेंट चलेगा, तो कोई बात नहीं, लेटेड भी क्या होगा, रिएक्शन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपके पास सी डबल बॉन्ड मतलब आपका जो कार्बन मोनोक्साइड है ना, कार्बन मोनोक्साइड के ऊपर एल्कीन अटैक करता है ठीक है, एल्कीन के अटैक के बाद एल्कीन का अनसेचुरेशन हट जाता है, आपको मिलता है आफ्टर स्टेप नंबर 1 एल्डिहाइड ठीक है, कार्बन मोनोक्साइड के ऊपर एल्कीन अटैक करेगा, आपको मिलेगा एल्डिहाइड ठीक है, हीट होगा तो हाइड्रोजन, इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म है नहीं मेरे पास ठीक है, लेकिन
ये अपने को श्योरली पता है कि आपको इन बिटवीन एल्डिहाइड मिलेगा, जिस एल्डिहाइड का बाद में रिडक्शन कर देगा H2PT। इसका एक काम करता हूँ मैं, मैकेनिज्म अपन थोड़ा सा सर्च भी करते हैं, शायद मास्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे मिल जाए अपने को। तो आखिरी स्टेप तो आई थिंक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, समझ में आ रहा है ना आपको क्या हो रहा है कि उधर तो सीधा H2PT रिड्यूस कर रहा है एल्डिहाइड को, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज अटैक ऑन कार्बन मोनोक्साइड। तो कार्बन मोनोक्साइड पे जब एल्कीन अटैक करता है ना तो आपको एल्डिहाइड मिलता है, वही अगर कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर एल्कीन अटैक करेगा तो आपको कार्बोक्सिलिक मिलेगा। ये बात समझ में आ रहा है क्या सबको? ये क्लियर है, ठीक है। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोफॉर्मिलेशन रिएक्शन या ऑक्सो प्रोसेस। तुहिन एक बार रिपीट करूं, ठीक है, सिंपल सी चीज है। हो क्या रहा है मैं बस आपको बताना चाहता हूँ। स्टेप वन में एल्कीन जो है, स्टेप वन ध्यान से देखना, एल्कीन अटैक कर रहा है कार्बन मोनोक्साइड पे, CH डबल बॉन्ड CH2 अटैक कर रहा है कार्बन मोनोक्साइड पे। कार्बन मोनोक्साइड सिक्वेंस में जुड़ रहा है, मतलब आपका मेन कार्बन चेन का पार्ट बन रहा है और वो बन जा रहा है CHO, ठीक है। एंड स्टेप टू जो है, स्टेप टू में क्या हो रहा है? स्टेप टू में आपके पास रिडक्शन हो रहा है, एल्डिहाइड रिड्यूस होकर अल्कोहल बन रहा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। इसमें एक्चुअली एक बार अपन कंफर्म करते हैं, ठीक है, ये रिएक्शन है ना, इसको थोड़ा सा देखा जाए। This is an industrial process for production of aldehyde from alkenes. Please, यार विकिपीडिया नहीं देखना है मेरे को, चलेगा। केम लिबर टेक्स्ट अच्छा है, साइंस डायरेक्ट ज्यादा ही अच्छा है, समझने के लिए डिफिकल्ट रहेगा। प्लीज होल्ड करो, ठीक है, डरना मत, डरना मत, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। मैं बस एक सिंपल क्लैरिटी ढूंढ रहा हूँ। इसके ऊपर बस एक हाथ बार इसके बारे में बात हुई है, इसको अपन नहीं देखते इसमें। प्लीज रीलोड रीलोड। सब जगह पे ये हाइड्रो फॉर्मेलेशन एल्डिहाइड तक ही लग रहा है। जस्ट सेकेंड, हाँ एक्चुअली ये होना चाहिए था, CO2 CO8 है तब भी हाइड्रोजन वहां से आ रहा है। सॉरी आप लोगों को मैं लोड हो जा भाई, काहे लोड लेके बैठे हो। ठीक है यार, ये प्रोसेस एल्डिहाइड तक ही है,
ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में आपको उसको रिड्यूस तो करना पड़ेगा, कार्बन मोनोक्साइड हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ अ कोबाल्ट या रोडियम कैटलिस्ट। ठीक है, मैं आपको ये कुछ इस तरह से लिखा देता हूँ। हाइड्रोफॉर्माइलेशन और ऑक्सो प्रोसेस इज बेसिकली फर्स्ट पार्ट, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ही होगा इसमें, कभी कीटोन नहीं होगा। ठीक है, फिर सेकेंड पार्ट है रिडक्शन, क्या हुआ, इफ अटैक्ट ऑन सीओ टू देन सीओएच बनेगा, बट वी गॉट अल्कोहल नॉट एल्डिहाइड बिकॉज हमने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लिया। श्रेया, विकिपीडिया देखकर हार्ट अटैक आ गया ना? हाँ, विकिपीडिया वैसे ही होता है, इसलिए विकिपीडिया आप लोगों को जनरली मना किया जाता है बिकॉज इट्स अ अभी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, वो पूरा लिखा रहेगा वहाँ पे, वो ऐसा नहीं है क्या उसका एप्लीकेशन मतलब उसका यूज सिर्फ आपके लिए है ना। ठीक है, एच टू भी ऐड किया है, यस, सीओ एंड एच टू इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज हाइड्रोफॉर्मेलेशन रिएक्शन, तो अपन ऐसा इसको लिख सकते हैं, हाइड्रोफॉर्मेलेशन इज एल्कीन सीओ प्लस एच टू कैटलिस्ट कोबाल्ट और रोडियम कैटलिस्ट, कॉम्प्लेक्स कैटलिस्ट होते हैं, सीधा सीधा नहीं है, यू विल गेट एल्डिहाइड। ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसका एक रीजन मैं बताता हूँ, इट इज एन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, दिस इज अ इंडस्ट्रियल प्रोसेस, तो जब भी आपको कहीं पे भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस देखने मिले ना तो समझ लेना वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेईई में इंडस्ट्रियल प्रोसेस की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, यू आर सपोज टू नो द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, क्या यहाँ तक क्लियर है, समझा मैंने क्या बताया? ठीक है, नीट एम एच सी टी इसको लैग आ गया, वॉच लैग ऑफ कर देते हैं, एक बार बताओ सब लोगों को लैग आ रहा है? काफी लोगों ने लैग, इसका मतलब आ ही रहा होगा। थ्री माइक चेक, माइक 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 माइक, हाँ भाई अभी भी लैग, अब बताओ अभी लैग कम हुआ या नहीं? ठीक है, ठीक से आवाज आ रहा है सब लोगों को? चलो, नाउ लेट अस मूव ऑन टू ग्रिगनार्ड। इस आलम को बोलना एक बार नेट चेक करना। हाँ भाई आवाज आ रहा है सब लोगों को? अब आ रहा है? आ रहा है? अच्छा नहीं, फोन पे तो चल रहा है क्लास। हाँ भाई आया आवाज आ रहा है वापस से? माइक चेक 1 2 3, माइक चेक, कूल कूल कूल, चलो गुड टू गो, कूल, ओके। चलो नेक्स्ट है ग्रिगनार्ड। ठीक है, रिएक्शंस ऑफ या रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप यूजिंग ग्रिगनार्ड, एग्जाम्पल ही करेंगे, ऐसे कोई खास नहीं, आपने ऑलरेडी देख ही लिया है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली मैं एक और आप लोगों का
डाउट सेशन लगाऊंगा इस वीक में, कब मैं बता श्योर नहीं हूँ, ठीक है, बट मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे। तो सैटरडे को अगर डाउट सेशन में डाउट नहीं रहे ना, तो अपन MS चौहान के लेके बैठेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। इजी इजी क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं कि मतलब अभी, इसका मतलब ये नहीं कि आधे लोग आए नहीं, ठीक है, प्लीज प्लीज कोऑपरेट, ठीक है। इजी क्वेश्चन कराएंगे, मैं कोशिश तो ये करता हूँ कि सब लोगों को समझ में आ जाए, और ऐसा कुछ रहा जो आउट ऑफ आउट ऑफ सिलेबस या आउट ऑफ जोन है तो फिर मैं हटा देता हूँ ना वो, मतलब बता भी तो दे ही देता हूँ आपको कि भाई टेंशन मत लो, है ना। अल्काइल अराइल वाला चैप्टर वो तो कर लो एक बार खुद से। Why we don't study Franklin too when we study Grignard? हमने किया था Franklin? रुतुजा? टेलीग्राम के ग्रुप पर डाल देना। हाँ डाल दूंगा, किसकी लिंक डालू लेकिन? यस रुतुजा, हमने Franklin किया है, ZN वाला ना, RZNXZ बनाते। मैंने आपको ये भी बताया था Grignard पानी के साथ रिएक्ट करता है, Franklin नहीं करता पानी के साथ रिएक्ट, ठीक है। Grignard इसलिए करते हैं क्योंकि Grignard की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, Franklin की जो रिएक्टिविटी है वो रिएक्टिविटी कम है। तो वो किस केस में रिएक्ट करेगा, किस केस में रिएक्ट नहीं करेगा, उसको लेके ज्यादा डिस्कशन हमारे सिलेबस में होता नहीं है, ठीक है, वो लिमिटेड है। एग्जैक्टली, दैट्स द ओनली रीजन। नक्षत्र को टेलीग्राम पे अराइल हैलाइड का लास्ट PDF टेलीग्राम पे नहीं दिखा, मैंने नहीं भेजा था क्या अराइल हैलाइड का? ये नक्षत्र और भी किसी ने मैसेज किया था कि नक्षत्र तक तू नहीं किया था? PDF मैंने भेजा था ना लास्ट टाइम अराइल हैलाइड का। सोहम माली बोल रहा है यस मिल जाएगा यार, मैंने बहुत सारी चीजें भेज दी थी ना, तो शायद उसमें कहीं बीच में छिपा पड़ा होगा, एक बार देख लेना सब डाउनलोड करके, नक्षत्र है। चलो एक एग्जाम्पल सिंपल सा, RMGX जेनरिक पहले लिख देता हूं। जेनरिक रिएक्शन क्या होएगा, कार्बन RNGX फॉलोड बाय H3O+, ठीक है। क्या मिलेगा आपको? OH, आपको यहाँ पे मिलेगा R, आपको यहाँ पे मिलेगा जो भी उसका लगा हुआ है, ठीक है। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन है। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं, फॉलोड बाय H3O+, ठीक है ना। क्या मिलेगा प्रोडक्ट? वॉइस इज कमिंग एट 1.5x स्पीड, वो बीच में कहीं सिद्धार्थ वो हो गया होगा, कई बार होता है ना थोड़ा सा रुक जाता है फिर एक साथ पूरा आता है। चलो कोई बात नहीं, सब लोग जल्दी से इसका देखो क्या मिलेगा हमको प्रोडक्ट। बस दो तीन क्वेश्चन करते हैं, आज मैं बहुत ज्यादा नहीं खींचूंगा बिकॉज नेट पहले ही मेरे को बहुत परेशान कर रहा है। 0.25 पे था फिर 1x2 हो गया। हाँ वही है कोमल, वो वही हो रहा है, बीच में एकदम से लूज हो रहा है डेटा और फिर सडनली पूरा आ जा रहा है। उर्तुजा का आंसर आ गया, पैकेट लॉस बोलते हैं नहीं उसको, इंटरेस्टिंग है जिंक, तो पैकेट लॉस हो रहा है फिर सडनली पैकेट मिल जा रहा है। क्या मिलेगा प्रोडक्ट? ऋतुजा का आंसर है 1.2 ट्राई मिथाइल ब्यूटेनॉल। सच में ऋतुजा यही है क्या उसका IUPAC नेम? फोटो ले
इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसा पैकेट, ठीक है। देखो क्या है अभी, देखो जेनरिक रिएक्शन देखते वक्त बड़ा आसान लग रहा था, स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा था, आर माइनस अटैक कर दिया। जब ये एक्चुअल रिएक्शन के फॉर्म में आएगा तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा, बट इट इज नॉट एक्चुअली दैट कॉम्प्लेक्स, है ना, बहुत ही नॉर्मल सा कंपाउंड है। ये जो पोजीशन है ना, अब आपको कैसे ध्यान रखना है, अब आपको ये समझना है, ये पोजीशन मैंने काटा, इस पोजीशन को कहाँ पे जोड़ा जाएगा, इस पोजीशन को यहाँ पे जोड़ा जाएगा। तो अब हमें दिखेगा कैसा हमारा प्रोडक्ट, CH3 CH2 CH, इसको ऊपर CH3 लिख देता हूँ, और ये कहाँ पे जुड़ा, सी डबल बॉन्ड ओ पे, तो सी डबल बॉन्ड ओ पे जुड़ा तो इसको मैंने ओ एच कर दिया, तो यहाँ पे ऑलरेडी CH3, यहाँ पे CH3। अगर हम इसको देखें तो आपका मेन कार्बन चेन, जरा ध्यान से देखना सब लोग, मेन कार्बन चेन क्या है, ये है आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है, दिस इज अ पेंटेन टू ऑल, करेक्ट, ठीक है, हाँ लॉन्गेस्ट में ही गड़बड़ किया, तो 2.3 डाइमिथाइल पेंटेन टू ऑल, डन, क्लियर है ये, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना अगला, अगर मेरे पास BH है ना, अब ये क्या है, मैं सेम वापस सेम कहानी, कहाँ से काटेगा, इधर से काटेगा, पीएच माइनस, अटैक कहाँ पे करेगा, अटैक इधर करेगा, तो क्या बनेगा मेरे पास, बेंजीन के ऊपर CH CH3 OH, ठीक है, डन। अगर मेरे पास अभी आप ये, अब आपको ये जो है ना प्रोसेस को और थोड़ा सा बड़ा करते जाना है, मतलब आपको बस ग्रिगनार्ड जो है, ग्रिगनार्ड का बिहेवियर ध्यान से देखना है। अब आपके सामने अगर एक क्वेश्चन है, ठीक है, इस टाइप का, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 रिएक्ट्स विथ CH3 CH CH3 CH2, MgBr, क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्ट इज ए 1 degree अल्कोहल, बी 2 degree अल्कोहल, सी 3 degree अल्कोहल, डी, चार देना था इसलिए, बताओ, समझा ना, अभी दिखने में अब हमको बहुत कॉम्प्लेक्स दिख रहा होगा, और भाई क्या हो गया, क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है, आपके पास एक कीटोन है, कीटोन रिएक्ट कर रहा है ग्रिगनार्ड के साथ, है ना, कटेगा कहां से, यहां से कटेगा, जुड़ेगा कहां पे, यहां पे जुड़ेगा, द प्रोडक्ट विल बी सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड 3 degree अल्कोहल, दैट्स इट, समझा क्या, ये सबको समझ में आया क्या, क्लियर है ये, ठीक है। अच्छा एक छोटा सा, थोड़ा सा ना, थोड़ा एक क्वेश्चन में चेंज कर देता हूँ, जस्ट ताकि तुम बहुत घबरा ना जाओ जब फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ आ जाए, लेट्स से आई हैव CH3 CH2 MgBr, ठीक है, एंड इट इज गोइंग टू रिएक्ट विद CH3 CO Cl, ठीक है, क्या मिलेगा प्रोडक्ट, श्रिया चाहती है फाइनल प्रोडक्ट चेक करना, डेफिनेटली श्रिया वी कैन चेक दैट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 एक बार आप देख लो, मैं आपको फिर फाइनल प्रोडक्ट 3rd का बताता हूँ, ठीक है, ऐसा कोई खास खतरनाक
नहीं है, दिखने में लंबा सा दिखेगा, दैट्स इट। क्वेश्चन फोर एक बार सब लोग देख लो, मैं तब तक ये थर्ड का एक लिख लेता हूँ। आयु ढाके क्या बोल रहा है, नाम क्या क्या है, नाम अब देख लेना ढाके। यार ऐसा कोई हार्ड नाम नहीं है, अगर होता तो फिर डिस्कस करते हैं। हाँ अभी देखो देखो, बहुत अच्छा सा सिंपल सा रिएक्शन है, इसमें कुछ नहीं है ठीक है। वेन एवर यू हैव अ ग्रिगनार्ड, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ एल्कोहल, बट स्टिल आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन बिकॉज इट इज बिहेविंग एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड दिस इज अ लिविंग ग्रुप, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन याद है ना, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, क्लोरीन निकल के चला जाता है, दिस इज इट ठीक है। मैं स्क्रोल अप करता है, एक मिनट, ये इसका आंसर लिख लेते हैं, हम इसे क्या कहेंगे, ब्रोकोलो सिंह केमिकल डा के समझा क्या, कार्बोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन पे आपको क्या मिला प्रोडक्ट, एसिड, आपका कीटोन ही मिला प्रोडक्ट। देख लीजिए सारे क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, ऋतुजा ओएच नहीं मिलेगा। ओएच मिल सकता है अगर हमें किसी ने एक्सेस में दिया तो, आते हैं अपन उसके ऊपर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी देते हैं कई बार, कैसा था नंबर ऑफ मोल्स में भी आपको क्वेश्चन में आता है कि 2 मोल्स दिया, 3 मोल्स दिया, ठीक है। सबको दिख गया ऊपर का, कुछ आगे बढ़ सकता हो क्या? अच्छा श्रिया बोल रही, और ऊपर जाना है क्या, एक्सेस होना चाहिए, ग्रिगनार्ड एक्सेस होना चाहिए ठीक है। साहिल नक्षत्र का कहना है माइनर क्या बनेगा, माइनर में यहाँ पे देख एमजीबीआर जब होता है ना, एमजीबीआर को जो आपका कुछ भी ऐसा निकल रहा है पानी डालते ही हो आप नेक्स्ट स्टेप में, तो पानी जो होता है पानी का ओएच लग जाता है। अजिंक्य का कहना है फोर्थ में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए, क्यों, मैं समझा नहीं क्यों, मतलब दिस इज काइंड ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दिस इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, डिपार्चर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, क्लोरीन का लोन पेयर रेजोनेंस में है एब्सोल्युटली, लेकिन बेस जो अटैक कर रहा है बहुत स्ट्रांग है ठीक है। ऐसा नहीं है कि रेजोनेंस में तो आप उसको तोड़ फोड़ नहीं सकते ठीक है, इट्स अ वॉर। समझा क्या अजिंक्य, प्रणव डन है अजिंक्य, तेरे को समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं, बोलता अभी ग्रिगनार्ड है भाई सामने, वो बोलेगा कि लाओ ऊपर वाला प्रोडक्ट जैसा क्यों नहीं बनेगा, बनेगा ना ऊपर वाले प्रोडक्ट जैसा, अगर सेकंड मॉलिक्यूल भी होगा तो, अगर मेरे पास सेकंड मॉलिक्यूल ग्रिगनार्ड का होगा ठीक है, और CH3CH2MgBr डाला तो नेक्स्ट स्टेप इज सिंपली अल्कोहल, ठीक है H+ नहीं, अच्छा डाल देता हूं ले, सॉरी H+ हमेशा सेकेंड स्टेप में ही आता है ठीक है, ये ध्यान रखना। ग्रिगनार्ड अवकाश पे उतर आ गया कह सकते हो, R- है भाई, R- मतलब आप समझ रहे हो,
इसको ईथर में रखना पड़ता है, ग्रिगनार्ड याद है ना, एमजी ड्राई ईथर में बनता है ग्रिगनार्ड, तो ग्रिगनार्ड कैन परफॉर्म न्यूक्लियोफिलिक, कैन इट इलेक्ट्रोफिलिक, नहीं ग्रिगनार्ड इलेक्ट्रोफिलिक नहीं होता, मतलब आई डोंट नो ऑफ दैट, बट हो सकता है एमएस चौहान में अगर ऐसा कुछ हो तो पता चल जाए, बट ठीक है। डहाके तो कितना डिस्ट्रैक्टेड है रे, खुद भी डिस्ट्रैक्टेड है, मेरे को भी डिस्ट्रैक्ट करा, बोले सर मैंने अमरूद खाया, आप खाओगे? खाऊंगा अभी, तो क्या मेरे को ई अमरूद भिजवाएगा क्या बदमाश है? हाँ एमजीबीआर साथ में मिल जाएगा आपको, एमजीबीआर ओएच है ना, मिल जाएगा आप। क्वेश्चन सॉल्विंग लेक्चर रखो, रखता हूँ ना, रुक तो जा भाई, एक क्वेश्चन सॉल्विंग लेक्चर किया था, मजा आया था ना, वो मेरे को बताना पड़ता है ना भाई, क्योंकि वो शेड्यूल जैसा बनता है मैं तो वैसे लूंगा। मैंने इस बार आतिफ सर को बोला मेरे को एक एक्स्ट्रा लेक्चर चाहिए हर वीक, जिसमें हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम डाउट्स के नाम से वो लेक्चर चलाएंगे, लेकिन उसमें अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे, फायदा तो तभी होगा ना। ठीक है, मोस्टली सैटरडे को करेंगे वो चीज। चलो एक एक छोटा सा चीज अगर मैं ध्यान से दिखवाना चाहूँ तो, एमएस चौहान सॉल्विंग करेंगे, यस, रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिगनार्ड अगर मैं बताना चाहूँ, ठीक है, क्योंकि अब ग्रिगनार्ड आ गया है तो थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिगनार्ड। तो आप इसमें बताओ सबसे ज्यादा रिएक्ट को किससे करता है? इट रिएक्ट्स विथ एक्टिव हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन बोले तो प्रोटॉन, कहीं पे भी ऐसा हो ना, अल्कोहल है निकाल लेगा एच प्लस, वाटर है निकाल लेगा एच प्लस, एक्टिव हाइड्रोजन, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट रिएक्टिविटी उसकी प्रोटिक सॉल्वेंट फॉल्वेंट जो भी ऐसा, जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन, बोलने का मतलब ये है कि जो भी अपना एच प्लस आराम से लूज कर सकता है, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, ठीक है, उसके बाद आया तुम्हारा कार्बोनिल क्लोराइड, उसके बाद तो ये ना एस्टर के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद आखिरी में आप बोल सकते हो अल्काइल हैलाइड, थोड़ा ज्यादा मैंने बीच में स्पेस खा लिया, एक सेकंड होल्ड करो, नहीं ऐसा नहीं कर पाएंगे। है ना, एक जनरल बात करना है तो दिस इज काइंड ऑफ द रिएक्टिविटी। एमएस चौहान में एक पूरा चैप्टर है, यस यस, सेकंड लास्ट इज एस्टर, डन। ये समझ में आ गया आपको रिएक्टिविटी, कौन ग्रिगनार्ड से कैसे रिएक्ट करेगा? ठीक है, तो यार आज के लिए आई थिंक इतना काफी है ना, इसके बाद अपन बाकी की चीजें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट सेशन में अपन रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, डन। अल्कोहल एक्टिव हाइड्रोजन में आया ना, उससे तो कर ही लेगा, एक्टिव हाइड्रोजन अल्कोहल। चलो डन, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग हियर सो लॉन्ग, है ना, प्लीज थोड़ा सा एक बार कोशिश करना, जो ये सेशन के खत्म तो हो गया, लेकिन आज एक बार पहले देख लेना एक बार वापस से, क्योंकि
टेलीग्राम पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन का फोटो मांगा था, वो मैंने सेंड किया है, प्लीज चेक। अच्छा ठीक है, मैं चेक करता हूँ, डन। ये ऋषिकेश देखते रहो, बार बार याद हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्विंग सैटरडे को करेंगे देवराज, ठीक है? यश का सवाल है अल्काइल हैलाइड से, व्हाट इज LDA? LDA, LDA, LDA तो यार मुझे भी याद नहीं आ रहा क्या है, कहाँ से आ गया ये, गूगल नहीं दिखा सकता यार, मैं मुंबई में नहीं हूँ अभी, मैं अभी चंडीगढ़ में हूँ। MS चौहान में दिया है, अरे यार रुक जाओ, मेरे को याद था, लिथियम डाई एल्यूमिनियम नहीं, LDA बताता हूँ यार, मैं भूल गया, लिंडलार्स कैटलिस्ट, नहीं, लिंडलार्स नहीं, LDA। गूगल किया क्या, गूगल कर लो ना एक बार, गूगल करने में नहीं आ रहा क्या? लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, ओहो पिराना, ये सबकी वाट लगा देगा भाई, ये खतरनाक चीज है। अरे आवाज आ रहा है क्या मेरा? पता नहीं, मेरा ये नहीं चल रहा। चलो ठीक है, डन ना पिराना। हाँ वो पिराना सॉल्यूशन जो होता है ना, बहुत ज्यादा एकदम कोरोजिव सॉल्यूशन होता है, सुपर बेस लिखा है ना, ठीक है, अटैक होगा कुछ NH2- का मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, देख लेना एक बार क्या है, तो डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट टाइम, ठीक है, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे, बाय। थैंक यू, गुड नाइट।